आज देखेंगे मेसोमेरिक पावर, प्लस एम और माइनस एम ग्रुप की पावर स्ट्रेंथ कैसे होगी, पावर कैसे वेरी करेगी और एप्लीकेशन ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, देखिए तो देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं प्लस एम पावर में। तो कंपैरिजन ऑफ प्लस एम पावर, प्लस एम कौन होगा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा डोनेट, वो क्या कहलाएगा प्लस एम ग्रुप। ठीक है, तो देखेंगे प्लस एम ग्रुप की जो पावर है वो कैसे कंपेयर करेंगे। तो प्लस एम जो पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। जो ग्रुप जितनी इजिली क्या करेगा पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा उसकी प्लस एम पावर उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, तो देखिए कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे कि किसकी पाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी ज़्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये कह रहा है प्लस एम पावर ऑफ एनायनिक ग्रुप इज मोर देन दैट ऑफ प्लस एम पावर ऑफ न्यूट्रल ग्रुप। कोई भी एनायनिक ग्रुप है तो उसकी प्लस एम पावर हमेशा ज़्यादा होगी किसी भी न्यूट्रल ग्रुप से। रीज़न क्या है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं तो अब उसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने ही करने हैं। तो जिस पे भी, तो ध्यान दीजिए, तो माइनस, अगर किसी पे माइनस आ गया तो माइनस का मतलब हो गया है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अब उसको इलेक्ट्रॉन रिलीज करने ही करने हैं अपनी स्टेबिलिटी को, या कह सकते हैं अपने नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करने के लिए। तो एनायनिक ग्रुप की जो प्लस एम पावर है वो हमेशा ज़्यादा होगी किसी भी न्यूट्रल ग्रुप से। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नेगेटिव फॉर्म वो हमेशा बड़ी होगी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो लोन पेयर से ज़्यादा मोबिलिटी होती है किसकी, नेगेटिव आयंस के केस में इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनों की मोबिलिटी है वो नेगेटिव फॉर्म से ज़्यादा हो, नेगेटिव फॉर्म में ज़्यादा होगी किसी भी न्यूट्रल या कह सकते हैं लोन पेयर फॉर्म से। तो देखिए अगर बात करें इनमें कंपेयर करें तो इस पर क्या है माइनस चार्ज है और ये क्या है न्यूट्रल है। तो जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि इसे नेगेटिव चार्ज अपना क्या करना है रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कोई भी अगर एक एनायनिक है और एक न्यूट्रल है तो एनायनिक हमेशा ज़्यादा प्लस एम होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल। सेम कहानी यहाँ हो गई, ये एनायनिक है इस पे माइनस चार्ज आ गया और इस पे न्यूट्रल है तो इसकी ये प्लस एम की इसकी प्लस एम पावर हमेशा ज़्यादा होगी इस केस से। सेकेंड केस देखिए, इफ ग्रुप आर सिमिलर, अगर ग्रुप क्या है सिमिलर है, मतलब दोनों या तो एनायनिक ग्रुप हैं या दोनों ही क्या है न्यूट्रल हैं, तब कैसे कंपेयर करेंगे। अगर इफ ग्रुप आर सिमिलर देन इफ एटम आर ऑफ सेम पीरियड देन इलेक्ट्रॉन, ये कह सकते हैं देन इलेक्ट्रॉन करेक्टर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर विल बी डिसाइडिंग फैक्टर। ये कह रहा है अगर ग्रुप सिमिलर पॉलिटी के हों, सिमिलर नेचर के हों, तो उस केस में सिमिलर नेचर के हों तो उस केस में क्या है हम बात करेंगे, अगर क्या है एटम क्या है, इफ अगर जो एटम प्रेजेंट हो रहे हैं, जो डोनर एटम है, अगर वो डोनर एटम क्या है सेम पीरियड के हैं, तो वहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम होगी वो इजिली क्या कर सकता है इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो तो अपने पास क्या करेगा इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करके रखेगा। ठीक है, चलिए तो जो प्लस एम पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी के, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किस केस में ज़्यादा होगी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी कम, जिसकी इलेक्ट्रोनिटी कम है वो इजिली लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और जिसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा होगी वो अपने पास खींच कर रखेगा। तो जो प्लस एम पावर है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज के या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर के। ठीक है, तो देखिए जैसे कंपेयर करें तो कंपेयर प्लस एम पावर, अगर हम बात करें तो ये चारों, ये तीनों के तीनों ग्रुप क्या है न्यूट्रल हैं, और न्यूट्रल है तो फिर क्या चेक करेंगे, इनमें सोर्स एटम पकड़ें तो सोर्स एटम इसका कौन है N, इसका सोर्स एटम कौन है O, इसमें सोर्स एटम कौन है F, N O F क्या है ये पीरियड के एलिमेंट हैं, और पीरियड के एलिमेंट हैं तो इनमें डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे प्लस एम पावर क्या होगी कम। तो यहाँ देखिए N से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है O, O से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है F, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे प्लस M की पावर क्या होती जाएगी घटती जाएगी, तो ये इजिली लोन पेयर डोनेट करेगा एज कंपेयर टू O और या F। रीज़न क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनिटी कम है तो इजिली लोन पेयर डोनेट करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनिटी ज़्यादा है तो जल्दी से लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। यहाँ देखिए इसमें कंपेयर करें तो तीनों ग्रुप की जो सिमिलरिटी, तीनों ग्रुप सिमिलर हैं, तीनों ही एनायनिक हैं, और एनायनिक है तो कैटेगरी क्या हो गई सेम हो गई, तो अब बात करेंगे किसकी, बात करेंगे डोनर एटम की, डोनर एटम पीरियड के हैं या ग्रुप के हैं, अगर पीरियड के होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सी एन ओ किसके हैं पीरियड के हैं, और पीरियड के हैं तो इसमें देखिए अब इलेक्ट्रोनेगेटिव सी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एन, एन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ओ,
और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिकिटी बढ़ेगी तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिकिटी बढ़ेगी तो प्लस एम पावर क्या होती जाएगी, कम। थर्ड पॉइंट, इफ एटम आर ऑफ सेम ग्रुप देन साइज विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। अब इस केस में क्या है, ये कह रहा है अगर क्या है जो ग्रुप सिमिलर हो और उन पे जो एटम है, जो डोनर एटम है, अगर वो क्या है सेम ग्रुप के हो तो उस केस में डोमिनेटिंग फैक्टर क्या रहेगा, साइज। साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी भी कम होगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वही तो जल्दी डोनेट करेगा, जिसकी जेब भरी हुई होगी वो क्या करेगा, जल्दी लोन पर डोनेट कर देगा। चलिए, तो जैसे जैसे जिसका साइज छोटा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो वो जल्दी लोन पर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, और जिसका साइज बड़ा होगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वो जल्दी से लोन पर डोनेट नहीं कर पाएगा। तो देखिए, तो प्लस एम पावर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी की। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे ज्यादा होगी, जिसका साइज क्या होगा छोटा, तो साइज के इन्वर्सली। ठीक है, तो जो प्लस एम पावर है वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेगी, किसमें, तो ठीक है, तो जो प्लस एम पावर है वो ग्रुप के केस में क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी साइज की। अब बात करें यहाँ पे, अगर मैं कंपेयर करें प्लस एम किसका ज़्यादा है, तो अगर यहाँ देखें तो इसमें क्या है, ये एफ सी एल बी आर आई, ये क्या है ग्रुप के एलिमेंट है, और ग्रुप के एलिमेंट है तो डोमिनेट फैक्टर रहेगा साइज, और डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जा रहा है, एफ से बड़ा सी एल का, सी एल से बड़ा बी आर का, बी आर से बड़ा आई का। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो प्लस एम पावर भी क्या होती चली जाएगी, कम, तो डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज होती चली जाएगी। देखिए, इन द हैलोजन, हैलोजन के केस में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हैलोजन की अगर मैं बात करूं इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव तो ये कैसा दिखाएगा, माइनस आई, और मीजोमेरिक कैसा दिखाएगा, इसके पहले एटम पे एफ पे क्या होते हैं लोन पेयर, और पहले एटम पे लोन पेयर है तो क्या दिखाएगा, प्लस एम। तो अगर मीजोमेरिक की बात करें तो ये एफ क्या दिखाता है, हैलोजन क्या दिखाएगा, एफ नहीं, हैलोजन की बात करें तो हैलोजन क्या दिखाएगा, प्लस एम, क्योंकि हैलोजन पे लोन पेयर होते हैं, तो मीजोमेरिक तो दिखाएगा प्लस एम। इंडक्टिव की बात करें तो क्या दिखाएगा, माइनस आई। अगर हम बात करें तो मीजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इसलिए क्या है, मीजोमेरिक हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है इंडक्टिव से, मगर हैलोजन के केस में कहानी उल्टी है। हैलोजन के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, बताएंगे इसका रीजन भी ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान रखना। हैलोजन के केस में अगर हम बात करेंगे, यहाँ देखिए, ऑर्डर ऑफ प्लस एम एज वेल एज माइनस एम। तो अगर हम प्लस एम का ऑर्डर देखूँ तो सबसे ज़्यादा प्लस एम किसका था, एफ का, और माइनस आई भी किसका ज़्यादा है, एफ का। तो अगर जो माइनस आई ऑर्डर देखूँ तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, क्योंकि जो माइनस आई है, माइनस आई हमेशा किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, चाहे ग्रुप के एलिमेंट हों चाहे पीरियड के हों। मगर मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, अगर पीरियड के एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, और ग्रुप के एलिमेंट है तो साइज पे। मगर ध्यान रखना, माइनस आई सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल किस पे डिपेंड कर रहा था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, चाहे ग्रुप के हों चाहे पीरियड के हों। तो अगर इसका मैं माइनस आई ऑर्डर देखूं तो माइनस आई ऑर्डर जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव घटती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, माइनस आई कम होता जाएगा। तो माइनस आई भी किसका ज्यादा था, एफ का। और मैं प्लस एम की बात करूं तो प्लस एम भी किसका ज्यादा था, प्लस एम किस पर डिपेंड करेगा, साइज पे। और साइज जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे प्लस एम भी क्या होगा, डिक्रीज। तो इस केस में क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ प्लस एम एज वेल एज माइनस एम इफेक्ट, वो यही सेम ऑर्डर है। तो जो हैलोजन के केस में जो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है वही क्या है, प्लस एम का ऑर्डर है। क्लियर होगी बात। और एक इसमें मेन बात है वो अभी आगे पढ़ेंगे। क्या मेन बात क्या है, कि हैलोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट से। जनरली मीजोमेरिक इफेक्ट स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट वीक इफेक्ट होता है, मगर हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है किससे, मीजोमेरिक से। या कह सकते हैं हैलोजन का माइनस आई ज्यादा पावर का होता है एज कंपेरिजन टू प्लस एम, वो बताएंगे क्यों। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशन जरा देखें क्या है जी, इन ये कह रहा है इन डिसाइडिंग डायरेक्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप। एप्लीकेशन देख रहे हैं मीजोमेरिक इफेक्ट की किस में, इन डिसाइडिंग डायरेक्ट, ये कह रहा है इन डिसाइडिंग डिसाइड करने में किसको, इन डिसाइडिंग डायरेक्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप। मतलब जैसे हमारे पास ये कोई फिनाइल रिंग है, इस फिनाइल रिंग पे कोई ग्रुप लग रहा है। जनरली बेंजीन क्या होती है, जो फिनाइल रिंग होती है वो जनरली क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाती है। क्यों, क्योंकि इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे एक्ट करेंगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगी तो इन पे क्या है, इन पे आके, इन पे देखिए
तो इन पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अगर आके चिपकेगा, न्यूक्लियोफाइल अगर आके चिपकेगा तो न्यूक्लियोफाइल को ये रिपेल करेंगी, क्योंकि ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिपेल। तो इस पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल आके क्या करते हैं, अटैक करते हैं। तो जनरली क्या होता है, बेंजीन क्या दिखाती है, जो फिनाइल रिंग वो जनरली क्या दिखाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्यों, एडिशन क्यों नहीं, ध्यान दीजिए, बेंजीन के पास, बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जहां भी होता है वहां एडिशन रिएक्शन होती है, मगर इस बेंजीन के केस में एडिशन रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि अपने आप में क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। जरा अगर इसका एक भी पाई बॉन्ड आपने तोड़ दिया तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, और एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो जाएगी तो ये क्या होगा, ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ये इन जनरली एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता, पहली बात। दूसरी बात, तो जब एडिशन ही दिखाएगा तो कैसे दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई भी एटम हटके दूसरा एटम आकर लग जाए, मतलब एक एटम दूसरे एटम को क्या कर दे, रिप्लेस। तो इलेक्ट्रोफिलिक्स जो इसमें सब्स्टिट्यूशन भी कैसी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक क्यों, क्योंकि खुद क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों, क्योंकि इसके पास एक्सेस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगा खुद न्यूक्लियोफाइल होगा, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, एक इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा और दूसरा इससे इलेक्ट्रोफाइल निकल जाएगा, एच प्लस निकलेगा और कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। तो जनरली क्या होता है, जो फिनाइल रिंग है वो जनरली क्या दिखाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक इसलिए नहीं, क्योंकि खुद न्यूक्लियोफिल, ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, रिपेल करता है। ऐसा नहीं कि कभी नहीं दिखा सकता न्यूक्लियोफाइल, दिखा सकता है, पर जनरली अधिकतर नॉर्मल केसों में क्या दिखाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल इस पर आएगा वो कहाँ लगे, जहाँ ये कि ये बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग है, इस फिनाइल रिंग पे कोई ग्रुप लग गया तो ग्रुप से जस्ट अगली पोजीशन कहलाती है ऑर्थो, लेफ्ट या राइट, उससे जस्ट अगली पोजीशन कहलाती है मेटा, और उससे जस्ट अगली कहलाती है पैरा। अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल जो इस पर सब्स्टिट्यूशन करेगा, वो इस ऑर्थो पोजीशन पे करे कि मेटा पोजीशन पे करे कि पैरा पोजीशन पे करे, उसको डिसाइड करेगा कौन, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए पहला केस ले रहे हैं, तो वही हम केस पढ़ रहे हैं, इन डिसाइडिंग डायरेक्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप। ये जो ग्रुप लगा है फिनाइल रिंग पे, उस वो कहाँ डिसाइड करेगा, कहाँ डायरेक्ट करेगा आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, उसके ऑर्थो पे भेजेगा कि पैरा पे कि मेटा पे। तो देखिए केस वन, व्हेन, केस फर्स्ट में देखिए, व्हेन प्लस एम ग्रुप इज अटैच द फिनाइल रिंग, जब कोई प्लस एम ग्रुप क्या है, फिनाइल रिंग पे अटैच है। देखिए कोई ग्रुप लगा दिया जी, और इस जी पे क्या है, लोन पेयर है, और पहले एटम पे अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट, और डोनेट करेगा तो क्या दिखाएगा, प्लस एम ग्रुप। तो हमने कोई क्या कर दिया, फिनाइल रिंग पे कोई प्लस एम ग्रुप लगा दिया, ये क्या है, फिनाइल रिंग है, विल एग्जर्ट माइनस एम। अगर ये प्लस एम दिखाएगा तो ये क्या दिखाएगी, माइनस एम, क्योंकि एक दूसरे के प्लस एम और माइनस एम एक दूसरे के कॉन्जुगेशन होने चाहिए, तभी मेसोमेरिक इफेक्ट चलता है, तभी क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट चलता है। चलिए ये कह रहा है, देयरफॉर पाई इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इन द फिनाइल रिंग इज इंक्रीज। अब ये क्या है, इसके पास क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन, ये जब ये हमने कोई प्लस एम लगा दिया तो प्लस एम क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा, और पाई इलेक्ट्रॉन इसको रिलीज कर देगा, किसको, फिनाइल रिंग। तो फिनाइल रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो ये कह रहा है, देयरफॉर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फिनाइल रिंग इंक्रीज, क्यों, क्योंकि प्लस एम क्या करेगा, इसको पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, और जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे अगर बढ़ जाएगी तो जो इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ेगा वो और भी फास्ट आकर जुड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल उतनी जल्दी आके इस पे अटैक होगा। तो एक तो क्या होगा, प्लस एम के लगते ही ये फिनाइल रिंग की जो रिएक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। एक तो ये पहले से ज्यादा क्या हो जाएगी, रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि प्लस एम ने इस पे क्या कर दिया, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे बढ़ जाएगी तो अब इलेक्ट्रोफाइल और भी फास्ट आके लगेगा, या कह सकते हैं और भी स्ट्रांगली क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और भी घट जाएगी। ठीक है, चलिए कैसे होगा, जैसे अब ये क्या करेगा, अगर हम बात करें इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देखें तो डबल, देखिए लोन पेयर, सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये पूरा कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो जैसे ही अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर ये क्यों डोनेट करेगा, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कि लोन पेयर, तो लोन पेयर जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री है और यहाँ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से बंधे हुए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो जैसे ही डोनेट करेगा वैसे ही पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन आके यहाँ बना देंगे डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूट के क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड। जिसने लोन पर दिए हैं उस पर प्लस, और जिसने लिए हैं उस पर क्या आ जाएगा, माइनस। क्लियर, चलिए यह एक और चीज देखिए, देखिए जैसे ये दो लोन पर यहाँ आए होंगे तो इस पर आया होगा प्लस, इस पर आया होगा माइनस।
अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, इस पे माइनस भी आ गया और प्लस भी आ गया, तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। इस पर आ जाएगा प्लस, इस पर आ जाएगा माइनस, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ के बनाया होगा एक डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ रह गया होगा सिंगल। तो फाइनली इसने लोन पर दिए थे इस पर प्लस और इसने लिए थे इस पर माइनस। अब ये फिर दोबारा से देखिए चार्ज सिंगल डबल, ये फिर कॉन्जुगेशन है, ये फिर अपने इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, फिर जैसे ही इधर टूटेगा वैसे ही पाई बॉन्ड इधर टूट जाएगा। तो कहने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा और डबल बॉन्ड वहाँ पीछे पहुँच जाएगा। आगे फिर इसको ऐसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज देखिए चार्ज सिंगल डबल, फिर कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज यहाँ तो डबल बॉन्ड टूट के उधर, तो कहने का मतलब डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और चार्ज वहाँ पहुँच जाएगा। देखिए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके बना देंगे डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूट के क्या रह जाएगा यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो ये फॉर्म बन जाएगी। इसके द्वारा फिर आगे कंटिन्यू, देखिए चार्ज सिंगल डबल कंटिन्यू है, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ और सिंगल बॉन्ड कहाँ जाएगा वहाँ, तो फाइनली वही फॉर्म बन जाएगी जो थी। ये न्यूट्रल क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है, और जब ये बॉन्ड ये इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, ये इलेक्ट्रॉन टूट के आएंगे तो इस आएगा माइनस, और वो माइनस प्लस क्या हो जाएगा न्यूट्रल। तो फाइनली वही फॉर्म आ गई जहाँ से चले थे। तो कुल मिला के देखिए इसने क्या करा, इस ग्रुप ने पाई इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए इस फिनाइल रिंग को, और वो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, मगर फिनाइल रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी पाई इलेक्ट्रॉनों की वो किस पोजीशन पे बढ़ेगी, तो एक तो देखिए यहाँ नेगेटिव आ गया किस पे, ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। उसके बाद फिर नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा, पैरा पोजीशन पे, तो पैरा पोजीशन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और उसके बाद फिर वापस किस पर आ रहा ऑर्थो पे, तो ऑर्थो पे ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तो क्या हो गया ये जो प्लस एम ग्रुप है ये फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कौन सी पोजीशन पे बढ़ाएगा ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो जो प्लस एम ग्रुप लगता है फिनाइल रिंग पे, अगर कोई प्लस एम ग्रुप लगा दूं तो वो क्या करेगा पाई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिससे फिनाइल रिंग पे क्या हो जाएगी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और किस पे बढ़ जाएगी ऑर्थो पैरा पे। फिनाइल रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो क्या हो गया, फिनाइल रिंग की जो रिएक्टिविटी है एज कंपेयर टू बेंजीन क्या हो गई है, बढ़ गई है, किसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो जैसे ही हम प्लस एम ग्रुप लगा देंगे बेंजीन पे, तो बेंजीन रिंग की जो रिएक्टिविटी है या कह सकते हैं एक्टिविटी किसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, वो क्या हो जाएगी पहले से इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्लस एम ग्रुप ने क्या कर दिया पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी फिनाइल रिंग की, जिससे इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांगली अटैक हो जाएगा। और दूसरा, इलेक्ट्रोफाइल आके जब अटैक होगा फिनाइल रिंग पे तो कौन सी पोजीशन पे होगा ऑर्थो या पैरा पे, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग पे बढ़ रही वो कौन सी पोजीशन में बढ़ रही, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा वो या तो ऑर्थो पे आके लगेगा या किस पे आके लगेगा पैरा पे। तो एक छोटी सी बात हो गई कि जब भी फिनाइल रिंग पे अगर हम क्या लगा दें कोई प्लस एम ग्रुप लगा दें तो उससे क्या होगा फिनाइल रिंग मोर एक्टिवेट हो जाएगी या मोर रिएक्टिव हो जाएगी, किसके लिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। और जो डायरेक्शन हो जाएगी जो इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक होगा वो किस पे होगा ऑर्थो पैरा पे। तो जब भी फिनाइल रिंग पे अगर कोई प्लस एम ग्रुप लगाएंगे तो प्लस एम ग्रुप को क्या बोल सकते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब रिंग को एक्टिवेट कर देगा, एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और क्या बोल सकते हैं इसको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, क्योंकि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ डायरेक्ट कर देता है ऑर्थो या पैरा पे। क्यों, क्योंकि फिनाइल रिंग के ऑर्थो पैरा पोजिशन पर ही पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो देखिए रिजल्ट क्या निकला, ये कह रहा है ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फिनाइल रिंग इंक्रीज एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो जैसे ही फिनाइल रिंग पे हम प्लस एम ग्रुप लगाते हैं तो उससे क्या होता है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है फिनाइल रिंग पे, और कौन सी पोजीशन पे बढ़ जाती है ऑर्थो एंड पैरा पे। ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द मेटा पोजिशन। ये कह रहा है प्लस एम के लगाने से मेटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना इंक्रीज होती ना डिक्रीज होती, इसलिए कोई मेटा पोजीशन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो प्लस एम ग्रुप क्या करेंगे फिनाइल रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, कौन सी पोजीशन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, मगर मेटा पोजीशन पे कोई भी चेंज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का नहीं होगा, किसकी वजह से प्लस एम की वजह से। ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विल बिकम्स रिलेटिवली मोर देन द मेटा पोजिशन। तो ये कह रहा है इसलिए फिनाइल रिंग पे क्या हो जाता है, यानी कि फिनाइल रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन। ठीक, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजिशन पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस एम क्या कर देता है बढ़ा देता है, और मेटा पोजिशन पे कोई भी चेंज नहीं करता। तो ओवरऑल फाइनली क्या हो गया ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है एज कंपेयर टू या एज रिलेटिव टू मेटा पोजिशन।
ठीक, देयरफॉर इलेक्ट्रोफाइल विल टेंड्स टू द अटैक एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन द फिनाइल रिंग। इसलिए अब जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पे या पैरा पोजिशन पे क्या करता है, अटैक करता है। मतलब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो ऑर्थो या पैरा पे होगी। देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल द प्लस एम ग्रुप विल बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन द नेचर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी प्लस एम ग्रुप हैं वो सब के सब क्या होंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर के ग्रुप होंगे। मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेंगे, ऑर्थो या पैरा पे। तो क्या हुआ, तो प्लस एम क्या कहलाएगा, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा। एक्टिवेटिंग मतलब रिंग को मोर एक्टिवेट कर देगा, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। और ऑर्थो पैरा क्या हो जाएगा, डायरेक्टिंग, मतलब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, ऑर्थो पैरा पे। केस सेकंड, व्हेन माइनस एम ग्रुप इज अटैच टू द फिनाइल रिंग। अगर हम क्या करें, इस फिनाइल रिंग पे कोई माइनस एम ग्रुप लगा दें, मान लीजिए कोई ग्रुप लगा दिया डब्ल्यू जिसपे क्या है प्लस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वैकेंट डायोटल होगी, तो ये क्या करेगा, उल्टा पाई इलेक्ट्रॉनों को, इस बेंजीन से पाई इलेक्ट्रॉनों को ऊपर छीन लेगा। देखिए डबल सिंगल चार्ज, ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ये कह सकते हैं डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल। तो ये क्या है, माइनस एम ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉनों को ऊपर छीन लेगा, और पाई इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा तो इस फिनाइल रिंग पे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। ये अगर माइनस एम दिखाएगा तो बेंजीन कैसे दिखाएगी, इसके लिए प्लस एम। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं, सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी या फिनाइल रिंग, ये प्लस एम भी दिखा सकते हैं, माइनस एम भी, वो डिपेंड करता है इन पे कैसा ग्रुप लगा है। तो अगर इससे पहले वाले केस में देखूं, जब यहाँ प्लस एम था तो ये बेंजीन क्या दिखा रहा था, माइनस एम। अब के ये माइनस एम ग्रुप लगा दिया तो बेंजीन कैसे दिखा रहा है, प्लस एम। तो कह रहा है फिनाइल रिंग विल एक्सर्ट प्लस एम इफेक्ट, तो इस समय बेंजीन कैसे दिखा रही होगी, प्लस एम इफेक्ट की तरह काम कर रही है। और प्लस एम और माइनस एम सिंगल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। देखिए इस केस में क्या हो गया, देयरफॉर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फिनाइल रिंग डिक्रीज। तो इस केस में आपका फिनाइल रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि माइनस एम क्या कर लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। चलिए कैसे विड्रॉ करेगा, देखिए चार सिंगल डबल, तो जैसे ही वहां प्लस है, डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉनों की, तो तुरंत पाई इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो अब जब पाई बॉन्ड ही क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉनों को रिलीज करेगा, तो यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, इधर देखिए माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस, और ये माइनस प्लस क्या बना देंगे, बॉन्ड, और यहां प्लस आ जाएगा, यह कह लो ये डबल बॉन्ड चला जाएगा वहां और प्लस चार्ज आ जाएगा यहां, ऐसे ये डबल बॉन्ड चला जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड एक स्टेप आगे और प्लस दो स्टेप पीछे, ठीक है, डबल बॉन्ड तो एक स्टेप पीछे और प्लस चार्ज दो स्टेप आगे, देखिए इसको एक कार्बन को छोड़कर उससे अगले पाएगा प्लस, और डबल बॉन्ड जस्ट एक स्टेप पीछे हो जाता है, सेम कहानी फिर ऐसी, तो ये टूटेगा तो प्लस वहां पहुंच जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, और अब फिर टूट जाएगा ऐसी, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, प्लस वहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के क्या हुआ, फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, मगर किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही, जहां जहां प्लस घूम रहा है, प्लस कहां घूम रहा है, देखिए ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे, और फिर किस पे, ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। तो इसमें एक माइनस एम क्या करेगा, फिनाइल रिंग पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा, किस पोजीशन पे घटा देगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। प्लस एम क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे रहा था फिनाइल रिंग पर, कौन सी पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पे। कहने का मतलब है फिनाइल रिंग पे अगर प्लस एम होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, किस पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। माइनस एम होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। इसका मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट जो है पैरा मेटा पैरा पोजीशन पे, अगर मीजोमेरिक इफेक्ट की बात करूं तो मीजोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है, मेटा पोजीशन पे नहीं आता। मेटा पोजीशन पे ना तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना घटेगी, चाहे प्लस एम का केस हो चाहे माइनस एम का। इसका मतलब है कि मीजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता। अगली बात समझ में, चलिए देखिए अब रिजल्ट क्या निकल आया। फिर ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो माइनस एम के केस में फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, और कौन सी पोजीशन पे घटेगी, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट देयर इज नो चेंज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन पे माइनस एम के केस में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, किसका, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। तो इसका मतलब है कि मेटा पोजीशन पे ना तो प्लस एम इफेक्ट का, प्लस एम का कोई इफेक्ट आता, ना ही माइनस एम का। मतलब मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं चलता, किसके, फिनाइल रिंग के। ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कह रहा है ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द ऑर्थो पैरा पोजिशन विल बिकम्स रिलेटिवली लेस देन द मेटा पोजिशन।
तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, तो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जो पाइलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटा के कंपेरिजन में क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब इस केस में सबसे ज़्यादा कहाँ हो गई होगी, मेटा पोजिशन पे। मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी नहीं है, उतनी की उतनी रही है, मगर ऑर्थो पैरा पे घट गई। जब ऑर्थो पैरा पे घट गई तो ऑटोमेटिक मेटा पे क्या रह गई, अधिक रह गई, ठीक है। तो देयर फोर इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द मेटा पोजिशन, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक हो जाएगा, मेटा पोजिशन पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट चुकी है। तो अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वहाँ भाग जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजिशन पे एज कम्पेयर टू ऑर्थो पैरा क्या हो गई, इस केस में ज़्यादा हो गई। देयर फोर वी कैन से दैट ऑल द माइनस एम ग्रुप विल बी मेटा डायरेक्टिंग, तो जितने भी माइनस एम ग्रुप हैं वो सब क्या होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे। तो जो माइनस एम वाले हैं वो क्या करते हैं, फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देते हैं, जिससे रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम, जिससे रिंग क्या कहलाएगी, डीएक्टिवेट, या ग्रुप क्या कहलाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो रिएक्शन उतनी फास्ट नहीं होगी जितनी फास्ट प्लस एम के केस में होगी, या कह सकते हैं अगर बेंजीन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही थी, अगर बेंजीन पे कोई प्लस एम लगा देंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी एज कंपेयर टू बेंजीन, और माइनस एम लगा देंगे तो रिएक्शन क्या है, स्लो हो जाएगी एज कंपेयर टू बेंजीन। और प्लस एम के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पर जाएगा, और माइनस एम के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पर जाएगा, मेटा पोजीशन पे। नेक्स्ट देखिए फ्लो डायग्राम, अगर हम बात समझें तो देखिए प्लस एम के केस में क्या था, प्लस एम क्या कर रहा था, इस फिनाइल रिंग को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता था, रिलीज। तो यहाँ पे प्लस एम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, रिलीज, या पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे फिनाइल रिंग को। तो फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और कौन सी पोजीशन पे बढ़ जाती है, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो जो पहली बात, तो अब ये जो रिंग है ये क्या हो जाएगी, मोर एक्टिवेट हो जाएगी, किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, और जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो किस पे आएगा, ऑर्थो पे, या किस पे जाके लगेगा, पैरा पे। क्लियर। यहाँ देखिए अगर माइनस एम लगेगा तो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा, और विड्रॉ कर लेगा तो फिनाइल रिंग पे क्या हो जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, मतलब प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, जनरेट। प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई, मगर किस पोजिशन पे, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है, पहली बात तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतनी फास्ट नहीं होगी, अब ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और अगर रिएक्शन होगी तो कहाँ जाके होगी, मेटा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे तो प्लस है, प्लस प्लस पे जाके नहीं जुड़ेगा, किस पे जुड़ जाएगा, फिर वो मेटा पोजिशन पे। क्लियर। चलिए तो प्लस एम के केस में रिंग एक्टिवेट हो जाएगी और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी, माइनस एम के केस में रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी और मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगी। मेटा डायरेक्टिंग डज नॉट मीन्स दैट माइनस एम ग्रुप इज एक्सर्टिंग माइनस एम ऑन द मेटा पोजिशन। ये कह रहा है मेटा डायरेक्टिंग डज नॉट मीन्स, मेटा डायरेक्टिंग होगी इसका मतलब ये नहीं है कि माइनस एम ग्रुप क्या करेगा, माइनस एम ग्रुप इज एक्सर्टिंग माइनस एम इफेक्ट ऑन द मेटा पोजिशन, कि माइनस एम ग्रुप माइनस एम इफेक्ट क्रिएट करेगा मेटा पोजिशन पे, इसका मतलब ये कता ही नहीं है। माइनस एम ग्रुप ने माइनस एम इफेक्ट क्रिएट किया ऑर्थो और पैरा पे, मगर जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई एज कंपेयर टू मेटा पोजिशन, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आके मेटा पे जुड़ा है, मगर इस माइनस एम ग्रुप का कोई इफेक्ट मेटा पोजिशन पे नहीं आया है। आगे बात समझ में नहीं, तो इसका मतलब है कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट है वो मेटा पोजिशन पे ऑपरेट नहीं होता, मेटा पोजिशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आता। चलिए दूसरा, प्लस एम एज वेल एज माइनस एम ग्रुप करेक्टर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओनली एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। तो कह रहा है प्लस एम और माइनस एम जो ग्रुप है वो केवल पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट करते हैं केवल और केवल ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, प्लस एम बढ़ा देगा ऑर्थो पैरा पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और माइनस एम घटा देगा, मगर मेटा पोजिशन पे उनका कोई भी इफेक्ट नहीं आता। तो अगर प्लस एम है तो क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो जो प्लस एम है वो कहलाता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और माइनस एम क्या कहलाता है, मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जैसे हमारे पास ये कोई बेंजीन रिंग थी, इस बेंजीन रिंग पे मैंने क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया। OH के पास क्या है, ये प्लस एम है कि माइनस एम है, ये आइडेंटिफाई करिए। तो इस O के पास जो ग्रुप का जो पहला एटम है O, इस O के पास क्या है, लोन पेयर है, और अगर पहले एटम पे लोन पेयर है तो लोन पेयर को डोनेट करेगा, क्या दिखाएगा, प्लस एम। ठीक, यहाँ देखिए इस पहले एटम पे माइनस आ गया तो फिर तो ये प्लस एम है ही। यहाँ देखिए पहले एटम पे लोन पेयर है तो लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या होगा, प्लस एम। ये देखिए इसके हैलोजन है, हैलोजन के पहले, इस हैलोजन पे क्या होंगे, लोन पर होंगे, तो ग्रुप के पहले टर्म पे लोन पर है तो लोन पर डोनेट करेगा, क्या हो गया, प्लस एम। तो ये सब क्या दिखा रहे हैं, ये सारे ग्रुप क्या है, प्लस एम ग्रुप है, और प्लस एम ग्रुप है तो इस केस में
इस केस में क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ आके जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पे। तो इस केस में प्लस एम के केस में इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ के जुड़ेगा, ऑर्थो पैरा पे। और ये जो चारों के चारों ग्रुप हैं इनकी रिएक्टिविटी अधिक होगी एज कंपेरिजन टू बेंजीन। तो क्वेश्चन पूछता है कि बेंजीन पे अगर कोई प्लस एम ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दें, तो इसकी इलेक्ट्रॉन इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है एज कंपेरिजन टू बेंजीन, किसके टूवर्ड्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टूवर्ड्स। तो रीजन क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है फिनाइलिंग पे, किस पे, ऑर्थो और पाया पोजिशन पे। और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे बढ़ती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहा जाएगा ऑर्थो पैरा पे। तो ये सब प्लस एम के केस और प्लस एम के केस हैं, तो क्या कहलाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इनमें जो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ेगा वो ऑर्थो पैरा पे। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे बेंजीन पे क्या लग गया, NO2। तो N पे क्या है, लोन पेयर है, N पे लोन पेयर होगा, नहीं यहाँ इस N पे लोन पेयर नहीं होगा क्योंकि ये NO2 है। NO2 में जब ओपन करेंगे इस मॉलिक्यूल्स को, इस ग्रुप को ओपन करेंगे, तो N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, तो N का जो लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में चला जाता है O के साथ। तो कुल मिला के क्या है, N और O के बीच में एक डबल बॉन्ड है। और जब अगर ग्रुप का पहला एटम डबल बॉन्डेड हो किसके साथ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, डबल बॉन्डेड हो या ट्रिपल बॉन्डेड, तो वो क्या दिखाते हैं, माइनस एम। यहाँ देखिए ग्रुप का ये कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, तो इसका ग्रुप, इसका पहला एटम कौन है, कार्बन। ग्रुप का पहला एटम है कार्बन और कार्बन डबल बॉन्डेड है, तो क्या दिखाएगा ये, माइनस एम। और डबल बॉन्डेड भी किसके साथ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो क्या दिखाएगा, माइनस एम। सेम कहानी यहाँ, इस पे लोन पे है मगर ये पहला एटम नहीं है, पहला एटम तो कार्बन है इस ग्रुप का, तो ग्रुप का पहला एटम डबल बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो क्या दिखाएगा ये, माइनस एम। यहाँ देखिए सी ओ एच, इसे भी खोलेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ और एक आएगा ओ एच, यहाँ सी डबल बॉन्ड और इसकी जगह हो जाएगा ओ एच, तो इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ आएगा। और जब पहला एटम डबल बॉन्डेड हो गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ओ के साथ, तो उसकी ये भी क्या होगा, माइनस एम। और माइनस एम है तो इनमें क्या होगी, इनकी जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए वो बेंजीन के कंपेरिजन में क्या होगी, कम। कम क्यों होगी, क्योंकि माइनस एम ग्रुप क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग पे कम कर देगा, और कौन सी पोजीशन पे कम कर देगा, ऑर्थो पैरा पे। और जब ऑर्थो पैरा पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आप किस पे लगेगा, मेटा पे। तो इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग। तो जो माइनस एम ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग होगा और जो प्लस एम ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है, देखिए एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये कह रहा है द ग्रुप विच इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन्स, ये कह रहा है द ग्रुप विच इंक्रीज द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फिनाइल ग्रुप आर नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक, द ग्रुप विच इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन इन कंपेरिजन ऑफ द बेंजीन आर नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ये कह रहा है ऐसा कोई भी ग्रुप जो क्या करे, फिनाइल रिंग पे ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। या दूसरे तरीके से, ऐसा कोई भी ग्रुप जो क्या करे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट इंक्रीज कर दे, बढ़ा दे एज कंपेरिजन टू बेंजीन इज कॉल्ड, वो ग्रुप क्या कहलाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर होगी बात। ये कह रहा है द ग्रुप विच इंक्रीज द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फिनाइल ग्रुप आर नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसा कोई भी ग्रुप जो क्या करे, फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, भाई जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वही तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा फिनाइल पे। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन हो सकते हैं, प्लस एम भी हो सकते हैं और प्लस आई भी हो सकते हैं। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब प्लस एम नहीं, सिर्फ प्लस आई भी। ठीक है, ऐसा कोई भी ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दे, बढ़ा दे। ये नहीं कह रहा कि ऑर्थो पैरा पे बढ़ा दे, जो ऑर्थो पैरा पे बढ़ाएगा सिर्फ वो कहलाएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग ग्रुप में अंतर है। जो कोई भी ऐसा ग्रुप जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दे, फ्लैरिंग पे बढ़ा दे कहीं भी, तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेटिंग। और जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ बढ़ाए ऑर्थो पैरा पे, वो कहलाता है प्लस एम, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। कहने का मतलब है कि जो डायरेक्टिंग नेचर है कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर आके लगेगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करेगा मीजोमेरिक। किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा, डायरेक्शन को डिसाइड तो सिर्फ कौन करेगा, मीजोमेरिक। मगर रिएक्टिविटी को डिसाइड दोनों कर सकते हैं, मीजोमेरिक भी और इंडक्टिव भी। ऐसे समझो, दो इफेक्ट आपने पढ़े अभी, मीजोमेरिक और इंडक्टिव। अगर हम बात करें डायरेक्शन डिसाइड करने वाला डिपार्टमेंट, डायरेक्शन
डिसाइड करने वाला डिपार्टमेंट तो सिर्फ और सिर्फ किसके हाथ में है, मीजोमेरिक के हाथ में। मीजोमेरिक डिसाइड कर लेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जाएगा कि मेटा पे जाएगा। मगर रिएक्टिविटी, रिएक्टिव फिनाइल रिंग रिएक्टिव है कि डीएक्टिवेट है, एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है, ये डिसाइड दोनों ग्रुप का रिजल्टेंट करेगा, दोनों ग्रुप मिलकर करेंगे, दोनों ग्रुप का जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट भी और मीजोमेरिक इफेक्ट भी। क्लियर होगी बात? चलिए, तो अगर तो बात समझ में आ गई, द ग्रुप विच इंक्रीज द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फिनाइल ग्रुप आर नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जो क्या कर दे, ओवरऑल फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, वो कहलाएगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। दूसरा, द ग्रुप विच इंक्रीज, ग्रुप विच इंक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन कंपेरिजन ऑफ बेंजीन इज नोन एज एक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके बेंजीन रिंग पे लगाने से उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए एज कंपेरिजन टू बेंजीन, तो वो क्या कहलाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा। डीएक्टिवेटिंग इसका उल्टा हो जाएगा। द ग्रुप विच डिक्रीज द ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फिनाइल रिंग आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ऐसा कोई भी ग्रुप जो ओवरऑल क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग पे क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, वो क्या कहलाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और क्या होगा दूसरा केस, क्या कह सकते हैं इसे, द ग्रुप विच डिक्रीज द रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन कंपेरिजन ऑफ बेंजीन आर नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। या ऐसा ग्रुप जो जिसके बेंजीन पे लगाने से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो बेंजीन के कंपेरिजन में क्या हो जाए, उसका रेट क्या हो जाए। ऐसा कोई भी ग्रुप जिसके जिसको बेंजीन रिंग पे लगाने से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो एज कंपेरिजन टू बेंजीन क्या हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, ये बेंजीन है, बेंजीन के पास क्या है, एक्सिस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस में घूमते रहते हैं। तो 6 डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, इस पर एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो खुद कैसे काम करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इस पर पहली बात तो एडिशन तो होती नहीं क्योंकि इसके अंदर पाई बोन है, पाई बोन है, तो जहां भी पाई बोन होते हैं वहां एडिशन होनी चाहिए, मगर यहां एडिशन नहीं होती क्योंकि इसके जो पाई बोन है वो डीलोकलाइज होते रहते हैं, या कह सकते हैं रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, और रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो वो तो एडिशन दिखाएंगे नहीं, तो इस पर एडिशन तो होगी नहीं, तो फिर क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई भी एटम किसी अनदर एटम या ग्रुप से क्या हो जाता है, रिप्लेस, उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। कोई प्लस, कोई इलेक्ट्रोफाइल आके, कोई इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस हो तो कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, और कोई न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हो तो कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक, मतलब कोई प्लस आके जुड़े और दूसरा प्लस निकल के चला जाए तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कोई नेगेटिव आके जुड़े और नेगेटिव रिप्लेस हो जाए तो कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक। जैसे कोई ई प्लस आके जुड़ गया और एच प्लस हट गया तो कहलाएगा इलेक्ट्रोफिलिक। कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, मान लीजिए OH माइनस आके जुड़ गया और Cl माइनस निकल गया, तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाती है, न्यूक्लियोफिलिक क्यों नहीं, क्योंकि खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। जब ये खुद न्यूक्लियोफाइल है, अगर इसके पास कोई न्यूक्लियोफाइल इसके पास को आएगा तो न्यूक्लियोफाइल को ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिपेल, तो इसलिए, और इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर आकर जुड़ जाएगा और इस पर से एक एच प्लस क्या हो जाएगा, एक एच प्लस रिमूव हो जाएगा, तो ये एच प्लस निकल के ई प्लस जुड़ जाएगा, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये है, ई मतलब इलेक्ट्रोफिलिक, एस मतलब सब्स्टिट्यूशन। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। ये कह रहा है रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी ये प्लस इस नेगेटिव पे आके क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कौन सी होनी चाहिए, दो तरीके की हो सकती है भाई। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो तो क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट करेगा, और जो मीजोमेरिक है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट करेगा। तो दोनों टाइप की हो सकती हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, एक तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज बाय द इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट तो किसको चेंज करता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, क्योंकि वो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों पर ऑपरेट होता है। और जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कौन चेंज करेगा, चेंज बाय द कॉन्जुगेशन इफेक्ट, या कह सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, या कह सकते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर होगी बात? देखिए तो नॉट पॉइंट क्या है, ये कह रहा है डायरेक्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप इज डिसाइडिंग ओनली बाय द कॉन्जुगेशन इफेक्ट, या कह सकते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट। जो डिसाइडिंग पावर है, ये कह सकते हैं डायरेक्टिंग नेचर ऑफ ग्रुप, जो डायरेक्टिंग नेचर है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजिशन पर लगेगा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पर लगेगा, या मेटा पोजिशन पर लगेगा, यानी कि डायरेक्शन को डायरेक्ट करने की। तो डायरेक्टिंग जो नेचर है ग्रुप की वो तो कौन डिसाइड करेगा, ओनली बाय द कॉन्जुगेशन इफेक्ट। सिर्फ मीजोमेरिक इफेक्ट डिसाइड करेगा किसको, डायरेक्शन को, डायरेक्शन नेचर को। बट एक्टिवेटिंग, और ये कह सकते हैं डीएक्टिवेटिंग नेचर, इज डिसाइडिंग बाय द कॉन्जुगेशन इफेक्ट एज वेल एज इंडक्टिव इफेक्ट।
जो एक्टिवेटिंग नेचर है वो दोनों ग्रुप मिलके डिसाइड करेंगे, मतलब मीजोमेरिक और इंडक्टिव दोनों की मीटिंग बैठेगी, दोनों की मीटिंग में जो फाइनल होगा, जो फाइनल इफेक्ट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, उससे डिसाइड होगा कि रिंग ओवरऑल एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग। मगर डायरेक्टिंग जो नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मीजोमेरिक। देखिए अगर मान लीजिए ओवरऑल क्या आ गया, माइनस इफेक्ट आ गया, मान लीजिए माइनस आई ज्यादा हो गया प्लस एम से, मान लीजिए एक प्लस एम है, एक ग्रुप अगर हम बात करें तो ग्रुप मीजोमेरिक तो दिखा रहा है प्लस एम और इंडक्टिव दिखा रहा है माइनस आई। अगर उनकी बात करूं तो ओवरऑल मान लीजिए क्या हो गया, इसमें ओवरऑल इफेक्ट मान लीजिए इंडक्टिव किसी वजह से बड़ा हो गया मीजोमेरिक से, तो ओवरऑल आ गया माइनस, तो ओवरऑल माइनस आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग रिंग हो गई। अब डीएक्टिवेटिंग रिंग हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑर्थो पैरा पर जाएगा इलेक्ट्रोफाइल या मेटा पर जाएगा, तो डीएक्टिवेटिंग रिंग हो गई डीएक्टिवेट, मगर अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, वो डिसाइड होगा मीजोमेरिक इफेक्ट से। और इस केस में मीजोमेरिक था प्लस एम और इंडक्टिव था माइनस आई, तो डिसाइडिंग कौन करेगा, डायरेक्शन डिसाइड कौन करेगा, मीजोमेरिक। और मीजोमेरिक कैसा है, प्लस एम, और प्लस एम है तो क्या होगा, ऑर्थो पैरा पे। अगर मीजोमेरिक माइनस एम होता तो कहाँ जाता, मेटा पे, चाहे ये रिंग एक्टिवेटिंग हो चाहे ये डीएक्टिवेटिंग हो। तो ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग नेचर है वो डिसाइड होगी ओवरऑल रिजल्ट से, यानी कि मीजोमेरिक और इंडक्टिव दोनों के इफेक्ट से मिलके, और जो डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करेगा मीजोमेरिक। अगर प्लस होगा तो ऑर्थो पैरा पे भेज देगा और माइनस एम होगा तो मेटा पे भेज देगा। अब बात करें रेजोनेंस एनर्जी की, एक छोटी सी रेजोनेंस एनर्जी की बात आ जाती है। रेजोनेंस क्या होता है, देखिए जैसे बेंजीन है तो बेंजीन में डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये जो पाई बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन इफेक्ट कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं और कॉन्जुगेटिव सिस्टम में आ रहे हैं, तो ये अपने आप क्या होते रहते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं। इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपस में डीलोकलाइज होते रहते हैं, इनके पाई बॉन्ड की पोजिशन क्या होती रहती है, शिफ्ट होती रहती है, तो इसकी ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप क्या करेंगे तो ये टाइम के साथ में क्या होता रहता है, डीलोकलाइज, तो एक्चुअल में इसका जो पाई बॉन्ड है उसकी पोजिशन फिक्स नहीं होती है, पाई बॉन्ड सब जगह पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है कि बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर कहीं पर डबल कहीं पर सिंगल कहीं पर डबल, ऐसा नहीं, ये सब जगह क्या होता रहता है, डीलोकलाइज होता रहता है, और फाइनली क्या होगा, ये डबल बॉन्ड की नेचर है वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है सिमेट्रिकली। तो इस जब ये डबल बॉन्ड की पोजिशन सब जगह होगी तो इसे बोलते हैं डीलोकलाइज फॉर्म। ये थी लोकलाइज फॉर्म जिसमें लोकेशन लोकेशन क्या है, पाई बॉन्ड की फिक्स थी, और ये क्या है, डीलोकलाइज फॉर्म, और ये फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसकी क्या होगी, अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कम हो जाएगी, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जब इस कंपाउंड ये कंपाउंड ऑलरेडी इस फॉर्म में होता है, हमें दिखाई इस फॉर्म में देगा, मगर ये होता है इस फॉर्म में है, तो इसका मतलब हम सोच रहे हैं इसकी एनर्जी इतनी है मगर इसकी एनर्जी इससे कम हो चुकी होती है, और ये जो एनर्जी है इसका जो एनर्जी गैप है ये एनर्जी निकल चुकी होती है, रिलीज हो चुकी होती है किसमें, रेजोनेंस एनर्जी में। तो ये कंपाउंड ऑलरेडी क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन होने की वजह से मोर स्टेबल हो जाता है। मोर स्टेबल क्यों, क्योंकि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज डिक्रीज करके क्या करेगा, वो एनर्जी रिलीज कर देगा बाहर, और जो एनर्जी रिलीज होती है वही क्या कहलाती है, रेजोनेंस एनर्जी। जिस जितनी ज़्यादा इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी, उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, और जितनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी उतना ज़्यादा क्या हो चुका होगा, स्टेबल, क्योंकि उतनी ज़्यादा इसकी एनर्जी क्या हो चुकी होगी, कम। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना जो रेजोनेंस एनर्जी है वो जितनी ज़्यादा होगी वो जितना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल रेजोनेंस होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्टेबल रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी रिलीज हो जाएगी, या कह सकते हैं उतना ज़्यादा कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो जो रेजोनेंस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, जितना ज़्यादा एरिया पे जितना ज़्यादा क्या होगा, रेजोनेंस होगा, जितना ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस, या कह सकते हैं जितना एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस का मतलब है जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, जितनी ज़्यादा लॉन्ग रेजोनेंस होगा उतना क्या होगा, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, या कह सकते हैं जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी होगी। दूसरा इजी ऑफ रेजोनेंस, और आसानी से रेजोनेंस हो, जितना ज़्यादा आसानी से रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगी। प्लस एम पावर ऑफ ग्रुप, ये जिस रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस कहाँ होता है, जब प्लस एम और माइनस एम आपस में कॉन्जुगेशन होते हैं तभी तो रेजोनेंस होगा, तो जितना ज़्यादा प्लस एम की पावर होगी उतना ज़्यादा रेजोनेंस होगा, और जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी। जितना ज़्यादा माइनस एम पावर ग्रुप होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेजोनेंस, और जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर होगी बात, तो रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रश्न होगी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस पे, मतलब कितने ज़्यादा कितना ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है। दूसरा इजी ऑफ फॉर्म, इजी ऑफ रेजोनेंस पे। तीसरा प्लस एम पावर ऑफ ग्रुप पे, माइनस एम पावर ऑफ ग्रुप पे। तो कह रहा है दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन द अदर कंपाउंड ड्यू टू विच देयर रेजोनेंस एनर्जी इज मोर देन अदर द कंपाउंड। ये कह रहा है यही रीजन है, इसीलिए क्या हो जाते हैं, जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो बाकी और कैटेगरी के कंपाउंड से एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। रीजन क्या है, उनमें क्या होता है, इजी रेजोनेंस हो जाता है।
ठीक है, तो उनमें जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में, इसलिए क्या हो जाते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन द अदर कंपाउंड ड्यू टू विच देयर रेजोनेंस एनर्जी इज मोर देन द अदर कंपाउंड, क्योंकि उनकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो अदर कंपाउंड से क्या होती है, हाई। और एक बात देखिए, ये कह रहा है द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच सेम चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सेम एटम देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट एंड रेजोनेट, वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये कह रहा है अगर क्या है, सेम चार्ज सेम एटम पे प्रेजेंट हो रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर में तो वो क्या कहलाते हैं सब, वो क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। बताएंगे जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे तब और बताएंगे इसको डिटेल में। ये कह रहा है द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच सेम चार्ज इज प्रेजेंट ऑन सेम एटम, सेम चार्ज सेम एटम पे प्रेजेंट है, देन दे आर कॉल्ड रेजोनेटिंग, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट या क्या बोल सकते हैं, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए और एक पॉइंट ध्यान रखना है, कह रहा है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन का हो या रेजोनेंस का हो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सिस्टम विल बी मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर, देयर फॉर रेजोनेटिंग एनर्जी विल बी मोर फॉर द एक्सटेंडेड देन इन द क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये कह रहा है कि जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, जो एक्सटेंडेड रेजोनेंस है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, क्रॉस कॉन्जुगेशन से या क्रॉस रेजोनेंस से। रीजन क्या है, क्यों एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में या एक्सटेंडेड रेजोनेंस में रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन के। अब ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता क्या है जी, देखिए जैसे हमारे पास एटम है ए बी सी डी, ये फोर एटम है ए बी बी सी सी डी, इनके बीच में रेजोनेंस हो रहा है बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन में, ए बी बी सी सी डी बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन में है, एक लॉन्ग एक एक्सटेंडेड चेन में है। तो ए से बी का, बी से सी का, सी से डी का, ये आपस में कॉन्जुगेशन में, तो इसे बोलेंगे एक्सटेंड कॉन्जुगेशन। और ये ऐसे हो जाए ए से बी और बी से सी इधर और बी से डी इधर, तो ये क्या कहलाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर दो साइड में कॉन्जुगेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, अगर एक स्ट्रेट लाइन में कॉन्जुगेशन है तो उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और ये लेफ्ट राइट हो जाए या अप डाउन हो जाए, मतलब दो डायरेक्शन में डिवाइड हो जाए, तो इसे बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। जैसे मान लीजिए ए से बी, बी से सी, लेफ्ट में भी हो रहा राइट में भी कॉन्जुगेशन हो रहा, तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्लियर, तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, क्रॉस कॉन्जुगेशन से। आगे जब प्रॉब्लम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। देखिए अब ये एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको समझिए ध्यान से, ठीक है। ये हमारे पास फिनाइल रिंग है और इस फिनाइल रिंग पे हमने क्या लगा दिया, OH ग्रुप। ये हमारे पास फिनाइल रिंग है, इस पे हमने क्या लगा दिया, कोई हेलोजन ग्रुप Cl ले लिया, ठीक। अब देखिए इसके ग्रुप के पहले एटम पे लोन पेयर है क्योंकि वो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन पे लोन पेयर होंगे, तो ये लोन पेयर है तो इसका मतलब लोन पेयर डिवाइड कर सकता है, तो क्या दिखाएगा, प्लस सेम। अगर इसका मेसोमेरिक देखो तो ये कैसा है, प्लस सेम, और प्लस सेम है तो कहाँ डायरेक्ट करेगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगी, ये तो कन्फर्म हो गई, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ मेसोमेरिक इफेक्ट डिसाइड करता है, और ये प्लस सेम है तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। चलिए बात करें इसके इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव कैसे दिखाएगा, तो अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम प्रेजेंट है तो ये ग्रुप कैसे दिखाएगा, माइनस आई। तो अगर इंडक्टिव देखें तो ये माइनस आई दिखा रहा है, और मेसोमेरिक देखें तो ये प्लस एम दिखा रहा है, ठीक। चलिए अब ये जो फिनाइल रिंग है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो हो चुकी, क्योंकि वो तो डायरेक्शन तो कौन डिसाइड करता है, सिर्फ मेसोमेरिक। ये डिसाइड करना बाकी है कि ये रिंग एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है, वो डिसाइड होगा इन दोनों के मिला के जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा मेसोमेरिक और इंडक्टिव का, उससे पता चलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो जनरली स्ट्रॉन्ग होता है किससे, इंडक्टिव से। इंडक्टिव इफेक्ट जनरली क्या होते हैं, वीक इफेक्ट होते हैं, मेसोमेरिक क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। क्यों, क्योंकि इनमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली ट्रांसफर होते हैं, और इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफर नहीं, स्लाइटली डिस्प्लेस होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट वीक है क्योंकि इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिस्प्लेस होते हैं, या ये वीक क्यों है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट, जो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो बहुत हल्की होती है, जिसकी वजह से वीक इफेक्ट क्या रहता है, कमजोर रह जाता है। और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, तो वो आराम से क्या कर लेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या, कंप्लीटली ट्रांसफर करा लेते हैं, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। चलिए तो ये स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है, और ये वीक होता है क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होता है। तो अगर इसमें ओवरऑल देखें तो ये इसका माइनस है, उसका प्लस है, मगर मेसोमेरिक हमेशा बड़ा होगा किससे,
इंडक्टिव से, तो ओवरऑल इफेक्ट कैसा आ जाएगा, प्लस। और ओवरऑल प्लस आ जाएगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये ग्रुप क्या कहलाएगा, एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा। तो एक्टिवेटिंग भी है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है। तो हेयर ये कह रहा है therefore here overall electron density in the ring increase, तो इस केस में ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है किससे, माइनस आई से, तो ओवरऑल इफेक्ट कैसा आ गया, प्लस। क्लियर? तो जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप क्या कहलाएगा, एक्टिवेटर कहलाएगा, नहीं कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा। तो एक्टिवेटिंग होगा और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग इसलिए क्योंकि ओवरऑल इफेक्ट क्या रहा, प्लस, और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसलिए क्योंकि प्लस एम है। बात करिए इस केस में, अब इस केस में क्या है, ये इस ग्रुप की बात करूं तो इस ग्रुप पे लोन पेयर है, लोन पेयर है तो प्लस एम दिखाएगा। अगर बात करूं इंडक्टिव की तो ये हैलोजन है, हैलोजन क्या दिखाते हैं, माइनस आई, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब माइनस आई। ठीक, तो इस पे इंडक्टिव तो इसका माइनस है और मेसोमेरिक इसका प्लस है। मेसोमेरिक प्लस है तो पहली बात तो रिंग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गई, यानी कि ग्रुप कैसा हो गया, ऑर्थो पैरा, यानी कि आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेगा, ऑर्थो पैरा पे। बात कर लें एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग की, तो वो दोनों के रिजल्टेंट से निकलेगा। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो यहाँ पे ये प्लस एम है और ये माइनस आई है, तो एम क्या होता है, बड़ा होता है किससे, आई से, तो ओवरऑल इसमें भी क्या आ जाएगा, प्लस। ओवरऑल इसमें भी प्लस आ गया तो ये रिंग क्या हो जाएगी, एक्टिवेट। तो बस यही गड़बड़ है, ये एक्टिवेट नहीं होगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की बजाय घट जाएगी। अब ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसलिए हो गया कि मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे वीक पड़ गया और इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गया। अब ये कैसे, हमें कैसे पता चलेगा जी, कहीं पे तुम मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग कर दे रहे हो, कहीं पे इंडक्टिव। नॉर्मली जनरली क्या है, अधिकतर केसों में, सारे केसों में, अधिकतर केसों में क्या होगा, मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग होगा इंडक्टिव से। मगर कुछ केस ऐसे हैं जहां पे इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है मेसोमेरिक से। कौन से वो केस है वो मैं समझा रहा हूं। देखिए प्लस एम मेसोमेरिक का मतलब है कि अपना लोन पेयर देके यहां डबल बॉन्ड बनाए, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। मेसोमेरिक का मतलब है लोन पेयर का डोनेट करना, तो ये लोन पेयर डोनेट करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो डबल बॉन्ड बनेगा इस बेंजीन के कार्बन में और इस क्लोरीन में, क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जब बनेगा तो ये देखिए क्लोरीन की जो बैलेंसी सेल है ये थर्ड पीरियड का है, इसकी बैलेंसी सेल है 3p, और कार्बन सेकंड पीरियड का, इसकी बैलेंसी सेल है 2p। तो 3p और 2p के बीच में पाई बॉन्ड अच्छे से ऑपरेट नहीं होता। 2p 2p के बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होता है, मगर 2p और 3p के बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो वीक बॉन्ड होगा। वीक बॉन्ड होगा तो इसका मतलब ये पाई बॉन्ड जल्दी से बन नहीं पाएगा। अगर ये पाई बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो मेसोमेरिक ऑपरेट नहीं हो पाएगा। मेसोमेरिक ऑपरेट कब होगा, जब ये आराम से लोन पे डोनेट करके ये पाई बॉन्ड बनाए। पाई बॉन्ड बनाए मतलब रेजोनेंस आगे चले, और रेजोनेंस आगे चलेगा तभी तो प्लस एम इफेक्ट काम करेगा। तो जब ये पहला ही पाई बॉन्ड बनना मुश्किल है, यही देखिए आपने क्या करा, ये पहला ही पुल क्या कर दिया, कमजोर बन रहा है, या इसने पहले स्टेप नहीं मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाता, मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ। ठीक है, जिसके पास बॉल है या जिसका बॉल और बैट है वही मना कर दे कि मैं नहीं खेल रहा, तो फिर वो बोर्ड और अपना बल्ला और गेंद कहाँ से देगा तुम्हें। ठीक है, जिसकी गेंद है और बल्ला है वही मना कर दे कि मैं नहीं खेलता, मैं नहीं जा रहा खेलने, ठीक है, मेरा मन नहीं है खेलने का, तो क्या होगा, सारा ही खेल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ही रीजन ये है कि जो लोन पे डोनेट करेगा ये 2p और 3p के बीच में पाई बॉन्ड ऑपरेट नहीं हो पाएगा, जिससे मेसोमेरिक क्या पड़ जाएगा, यहाँ कमजोर, तो इंडक्टिव तुरंत क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले। अब जब ये बल गेंद और बल्ला नहीं मिलेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, मेसोमेरिक की मजाक उड़ाएगा कि हो गया खेल लिया, कि खेल लिया क्रिकेट, आगे बात समझ में नहीं, तो समझ गए तुम बात क्या होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर इसकी मजाक उड़ाएगा, नहीं कि ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव हो जाएगा तो यहाँ ओवरऑल इफेक्ट कैसा आ जाएगा, माइनस। और ओवरऑल माइनस आ गया तो एक्टिविटी जो रिएक्टिविटी है या एक्टिविटी है वो किससे डिसाइड होती है, ओवरऑल से। तो हेयर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी इस केस में, डिक्रीज हो जाएगी, तो क्योंकि माइनस आई बड़ा हो जाएगा मेसोमेरिक से। मेसोमेरिक से इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक से बड़ा क्यों हो गया, क्योंकि मेसोमेरिक वीक पड़ गया। मेसोमेरिक वीक क्यों पड़ गया, क्योंकि 2p और 3p के बीच में या कह सकते हैं एक थर्ड सेकंड पीरियड का एलिमेंट और एक थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बीच में मेसोमेरिक ऑपरेट नहीं हो पाया, क्योंकि पाई बॉन्ड नहीं बन पाया। तो यहाँ पे ओवरऑल इफेक्ट आ जाएगा माइनस, और माइनस हो जाएगा तो फिनाइल रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिससे क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेटिंग। तो हियर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग डिक्रीज, देयरफॉर क्यों, क्योंकि माइनस आई क्या हो गया, माइनस आई बढ़ गया है किससे, प्लस एम थे, तो ओवरऑल यहाँ क्या हो गया, माइनस। तो ये स्लाइटली डीएक्टिवेट है, मगर होगा और तो पैरा है, क्योंकि और डायरेक्शन तो सिर्फ मेसोमेरिक से पता चलेगी, और मेसोमेरिक कैसा है, प्लस, तो डायरेक्शन तो और तो पैरा। अगर इस पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से आके लगेगा नहीं, क्योंकि रिंग डीएक्टिवेट हो गई, अगर आके लगेगा तो लगेगा और तो पैरा पे, क्योंकि प्लस एम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो हैलोजन के केस में क्या हो गया, हैलोजन के केस में मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम है, मगर फिर भी क्या होगा, वो स्लाइट प्लस एम होने के बावजूद भी स्लाइटली डीएक्टिवेट हो जाती है हैलोजन के केस में। कौन, फ्लैंज रिंग। रीजन क्या है, क्योंकि हैलोजन के केस में माइनस आई स्ट्रॉन्ग हो जाता है प्लस एम से।
रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड ऑपरेट नहीं हो पा रहा। इस केस में देखूं तो ये ऑक्सीजन का बैलेंसी सेल कौन सा है, सेकंड, क्योंकि ये सेकंड पीरियड का है, और बेंजीन का जो कार्बन है वो भी सेकंड पीरियड का है, तो इसके बीच में लोन पर जब इसको डोनेट करेगा तो फटाक से पाई बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि टू पी टू पी के बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड है तो आराम से क्या होगा, नहीं कि जिसकी गेंद और जिसका बल्ला है उसका खुद का मन कर रहा है खेलने का, तो बाकी लोग तो इकट्ठे कर ही लेगा। अगली बात समझ में नहीं, या जैसे मान लीजिए इसका मन कर रहा है अपनी कार से घूमने का, तो फिर तो जब फ्री में कार मिल रही हो बारी खाने के लिए तो आप भी क्या हो जाएंगे, इसके साथ निकल लेंगे। तो देखिए, तो ओ एच माइनस के केस में क्या होगा, रिंग एक्टिव यानी कि एक्टिवेटर रिंग हो जाएगा, जबकि सी एल माइनस क्या है, प्लस एम होने के बावजूद भी स्लाइटली डीएक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि इसमें माइनस आई स्ट्रॉन्ग हो गया किससे, प्लस एम से, और ओ एच क्या है, ये एक्टिवेटर है क्योंकि इसमें प्लस एम ज्यादा है माइनस आई से। तो सेम कहानी वही है कि सी एल, सी एल में अगर बात करूं तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका कॉन्फिगेशन होगा 1s2 2s2 2p2, तो इसकी बैलेंसी सेल लास्ट सेल क्या है, 2p है, तो इसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल पड़ी है वो 2p है, तो जो पाई बॉन्ड बनेगा 2p। ऑक्सीजन में भी बैलेंसी सेल क्या है, 2p, तो 2p 2p के बीच में पाई बॉन्ड आराम से बन जाएगा, मगर सी एल की जो बैलेंसी सेल है वो थर्ड है और इसमें क्या आएगा, 3p, तो 2p और 3p के बीच में पाई बॉन्ड बनना मुश्किल हो जाएगा। आगे बात समझ में कि नहीं, तो ये कह रहा है व्हेन, ये कह रहा है तो देखिए, व्हेन ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग आर सेम, दैट इज देयर एनर्जी लेवल इज सेम, देन प्लस एम बड़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट से। ये कह रहा है जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही हैं ओवरलैपिंग में, या कह सकते हैं पाई बॉन्ड बनाने में, या कह सकते हैं रेजोनेंस में, अगर वो सेम लेवल की है तो उस केस में मीजोमेरिक स्ट्रांग होगा किससे, इंडक्टिव से। मगर व्हेन ऑर्बिटल ऑफ द डिफरेंट एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन द ओवरलैपिंग, देन उस केस में मीजोमेरिक वीक पड़ जाएगा, क्योंकि वैसा पाई बॉन्ड बन नहीं पाएगा, और वैसा पाई बॉन्ड बन नहीं पाएगा तो मीजोमेरिक क्या हो जाएगा, वीक, तो ये क्या हो जाएगा, इंडक्टिव, उस केस में जीत जाएगा। आगे बात समझ में नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसमें ध्यान रखना है कि हैलोजन के केस में, अब हैलोजन ही केस नहीं, लोग बाग लिखाते हैं कि हैलोजन के केस में, अब हैलोजन ही थोड़ा ही, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं, तो देखिए जरा, तो सिर्फ हैलोजन ही याद नहीं रखना, जो मेन बात मैंने बताई है, अगर 2p2p ओवरलैपिंग हो रही है, 2p2p के बीच में रेजोनेंस इन्वॉल्व हो रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, तो उस केस में मीजोमेरिक स्ट्रांग हो जाएगा इंडक्टिव से, और अगर 2p3p के बीच में हो रहा तो फिर इंडक्टिव, यानी कि 2p3p 2p4p 2p5p, तो उस केस में इंडक्टिव स्ट्रांग हो जाएगा मीजोमेरिक से। जैसे कार्बन, कार्बन के साथ मान लीजिए बॉन्डिंग होनी किसकी, नाइट्रोजन की, तो ये तो 2p में है, अब नाइट्रोजन भी 2p में है, मीजोमेरिक भी 2p में है, ठीक, तो इस केस में क्या होगा, जब ये इसके साथ नाइट्रोजन का लोन पर इसके साथ कॉन्जुगेशन आएगा, या ऑक्सीजन का लोन पर इसके साथ कॉन्जुगेशन आएगा, तो आराम से पाई बॉन्ड बना लेगा, आराम से ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि ये भी 2p है और ये भी 2p में लोन पर है, इसमें भी 2p में लोन पर है, तो यहाँ पे मीजोमेरिक स्ट्रांग होगा किससे, इंडक्टिव से। बात कर लें इसकी, ये सल्फर, जैसे ऑक्सीजन की जगह क्या आ जाए, सल्फर, जैसे नाइट्रोजन की जगह क्या आ जाए, फास्फोरस, तो इस केस में क्या होगा, सल्फर में जो बैलेंसी सेल हो क्या होगा, 3p, ये थर्ड पीरियड का हो गया, और 3p 2p के बीच में पाई बॉन्ड बनना फिर मुश्किल हो जाएगा, तो इस केस में फिर माइनस आई बड़ा हो जाएगा किससे, प्लस एम से। ये जैसे सीएल ले लो, तो सीएल में 3p है, तो थर्ड पीरियड का 3p 2p के बीच में पाई बॉन्ड बनना मुश्किल, तो यहाँ पे माइनस आई बड़ा हो जाएगा प्लस एम से। ये ब्रोमीन ले लो तो ये तो 4p हो गया, 4p 2p में तो और मुश्किल, आई ले लोगे तो 5p और 2p में तो और भी मुश्किल, तो इन केस में इंडक्टिव बड़ा हो जाएगा किससे, मीजोमेरिक से। बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन थोड़ा सा ध्यान रखिए, फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो ये 2p है, अब 2p 2p के बीच में पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, आराम से ऑपरेट हो जाएगा, मगर ये लोन पेयर दे रहा है, लोन पेयर किससे दिलवा रहे हो, तुम जरा ये सोचो, लोन पेयर आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से दिलवाना चाह रहे हो, फ्लोरीन की कभी इच्छा होती है लोन पेयर देने की, इसकी तो इलेक्ट्रॉनों को छीनने की होती है, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो ये दे तो देता है मगर इसका मन नहीं होता देने का लोन पेयर, ये क्या है, मरे हुए मन से देता है, तो इसका मतलब इसकी डोनेटिंग उतनी अच्छी नहीं रहेगी, और दूसरी बात, इसका रियल में माइनस आई बहुत अधिक है, क्योंकि ये इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो इसका रियल में माइनस आई क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो इसका प्लस एम, क्योंकि उतनी अच्छे से लोन पेयर को डोनेट नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है, तो इसका प्लस एम थोड़ा कमजोर होता है रियल में, और इसका माइनस आई रियल में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका प्लस एम और माइनस एम, माइनस आई और प्लस एम ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसलिए ओवरऑल इसे भी अगर कंपेयर करना जाए तो कंपेयर करने में जरा सा इंडक्टिव ही जरा सा बड़ा होता है मीजोमेरिक से, तो ओवरऑल क्या है, ये माइनस आई ही आ जाता है, तो इसलिए सारे के सारे हेलोजन किस में आ जाते हैं,
डीएक्टिवेटिंग में, क्योंकि इस फ्लोरीन के केस में 2p 2p में ओवरलैपिंग है, मगर इसका क्या है मीजोमेरिक थोड़ा रियल में वीक होता है क्योंकि जल्दी से लोन पे डोनेट नहीं करना चाहता मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से, और इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से माइनस आई थोड़ा ठीक ठाक है इसका। तो इनका प्लस एम और माइनस एम लगभग लगभग सेम होता है, अगर कंपेरिजन करने पर जाएँ तो थोड़ा सा माइनस आई बड़ा होता है प्लस एम से फ्लोरिन के केस में। तो देखिए वो कैसे पता चला, कुछ प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली भी आप देख सकते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई फ्लोरोबेंजीन में तो वो बेंजीन के कंपेरिजन में थोड़ी सी क्या पाई गई, ये देखिए बेंजीन के कंपेरिजन में थोड़ी सी कम पाई गई, कितनी 0.997, इसका मतलब बेंजीन के केस से थोड़ी इसमें रिएक्टिविटी कम है, और रिएक्टिविटी कम है तो इसका मतलब ये क्या हो गया डीएक्टिवेटिंग, और ये डीएक्टिवेटिंग जब भी हो रहा होगा जब माइनस आई थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा प्लस एम से। आगे बात समझ में, तो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन फ्लोरोबेंजीन वो क्या है बेंजीन के टाइम ऑफ यानी कि बेंजीन के कंपेरिजन में कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स नहीं है मतलब इक्वल नहीं है, 0.997 टाइम्स है। तो देयरफॉर एफ स्लाइटली डीएक्टिवेट इन नेचर, तो इसलिए जो एफ है वो क्या होगा स्लाइटली डीएक्टिवेट नेचर का हो जाता है। रीजन क्या है, एफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सारे रीजन किसकी वजह से है कि एफ रियल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। क्लियर हो गई बात, चलिए तो ध्यान रखिए जो हैलोजन है वो क्या होते हैं स्लाइड, वो क्या होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे। ऑर्थो पैरा क्यों, क्योंकि उन पे प्लस वो प्लस हम दिखाते हैं तो ऑर्थो पैरा तो होंगे ही, मगर स्लाइड ऑर्थो पैरा होने के बावजूद भी स्लाइटली डीएक्टिवेट होते हैं क्योंकि ओवरऑल इफेक्ट उनका कैसा आता है माइनस, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई स्ट्रॉन्ग हो जाता है प्लस एम से। तो कह रहा है ऑल द प्लस एम ग्रुप, जितने भी प्लस एम ग्रुप हैं आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, बिल्कुल 100% प्लस एम तो कहाँ भेजेगा, प्लस एम तो भैया ऑर्थो पैरा पे तो भेजेगा भेजेगा, हाँ प्लस एम है तो वो डायरेक्टिंग है कि डायरेक्टिंग है मतलब एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग ये नहीं कह सकता, अगर जो प्लस एम ग्रुप है तो प्लस एम ग्रुप में ये कहना मुश्किल है कि ये एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है, क्यों हो सकता है माइनस आई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हो प्लस एम से, तो एक्टिवेटिंग भी हो सकता है डीएक्टिवेटिंग भी हो सकता है, मगर ये बिल्कुल 100% कह सकता हूं कि अगर प्लस एम है तो डायरेक्शन कहां होगी ऑर्थो पैरा, क्योंकि डायरेक्ट करने वाला तो सिर्फ अकेला मेसोमेरिक होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का कोई रोल नहीं होता डायरेक्शन देने में। तो ऑल द प्लस एम ग्रुप आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर, बिल्कुल एकदम रिजल्ट, तो रिजल्ट आ गए फाइनल, तो जो भी प्लस एम होंगे वो सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। ऑल द माइनस एम ग्रुप आर मेटा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही बात है, अगर माइनस एम है तो कहाँ भेजेगा सिर्फ मेटा डायरेक्टिंग पे। ये कह रहा है जनरली ऑल द प्लस एम ग्रुप एक्सेप्ट हेलोजन आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, हाँ ये बात जरूर कह सकते हैं कि जनरली जितने भी प्लस एम होते हैं वो जनरली प्लस एम वाले केस में जनरली क्या होते हैं वो एक्टिवेटिंग होते हैं, क्योंकि प्लस एम अधिक होता है माइनस आई से अधिकतर केस में, किसको छोड़ के हैलोजन को, हैलोजन के केस में माइनस आई स्ट्रॉन्ग हो जाती है प्लस एम से तो एक्टिवेटिंग के बजाय क्या हो जाएंगे डीएक्टिवेटिंग, तो इसलिए जनरली वर्ड लगा दिया जनरली ऑल द प्लस एम ग्रुप एक्सेप्ट किसको, एक्सेप्ट हैलोजन मतलब हैलोजन को छोड़कर आर एक्टिवेटिंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। चलिए तो रिजल्ट बता रहे हैं, कह रहा है हैलोजन आर द ग्रुप विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हैलोजन क्या है वो ग्रुप है जो क्या करते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हाँ जी हैलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है क्योंकि वो प्लस एम शो करते हैं, तो हैलोजन आर द ग्रुप इन विच ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्योंकि प्लस एम है बट डीएक्टिवेटिंग इन नेचर, मगर स्लाइटली क्या होते हैं डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं, क्यों क्योंकि माइनस आई बड़ा होता है प्लस एम से, तो होंगे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हैलोजन मगर नेचर एक्टिवेटिंग नेचर में बात करें तो कैसी है डीएक्टिवेटिंग नेचर के हैं, क्यों क्योंकि माइनस आई अधिक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इसलिए क्योंकि प्लस एम दिखाते हैं और स्लाइटली डीएक्टिवेट इसलिए है क्योंकि माइनस आई अधिक हो जाता है प्लस एम से। ऑल द माइनस एम ग्रुप आर स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, जितने भी माइनस एम है वो 100% क्या होंगे डीएक्टिवेटिंग, साथ में भाई माइनस एम और साथ में माइनस आई और लग जाए तो ओवरऑल मिलकर माइनस ही माइनस आएगा, तो माइनस एम ग्रुप क्या होंगे 100% क्या होंगे स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग होंगे, हाँ जो प्लस एम है वो एक्टिवेटिंग जनरली एक्टिवेटिंग होंगे किसको छोड़ के हैलोजन को छोड़कर। रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगी फास्ट। एक्टिवेटिंग पावर ऑफ द ग्रुप, या कह सकते हैं ग्रुप की जितनी ज्यादा एक्टिवेटिंग पावर होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा किसको फिनाइल रिंग को, तो जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी उतना क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हाई होगी, या कह सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके डीएक्टिवेटिंग पावर ऑफ ग्रुप के। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी फिनाइल रिंग पे रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतनी ही ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग पे ज्यादा कब होगी जितना एक्टिवेटिंग पावर क्या हो ज्यादा हो और डीएक्टिवेटिंग पावर क्या हो कम हो, मतलब प्लस वाला इफेक्ट ज्यादा हो और माइनस वाला क्या हो कम हो।
जितना ज्यादा प्लस उतनी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रिंग के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और जितना ज्यादा माइनस उतने कम हो जाएंगे। तो देखिए अप्रोच, तो क्या अप्रोच रहेगी रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिंग। रिंग पे जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट होगा, मगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कब होगी, जितने ज्यादा प्लस एम, तो प्लस एम के तो क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि प्लस वाले क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे और माइनस वाले क्या होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे जिससे रेट बढ़ जाएगा, मगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे जिससे रेट क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, या कह सकते हैं प्लस वालों के डायरेक्टली और माइनस वालों के इन्वर्सली। तो अगर हम बात करें रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे इंक्रीज होगा, माइनस एम से ज्यादा होगा माइनस आई का, माइनस आई से ज्यादा होगा जीरो का, और जीरो से ज्यादा होगा प्लस आई का, और प्लस आई से ज्यादा होगा प्लस एम का। तो जैसे जैसे प्लस वाला इफेक्ट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी क्या होगा बढ़ता जाएगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा प्लस एम का, उससे कम होगा प्लस आई का, उससे कम होगा जीरो का, माइनस वालों का माइनस आई का और भी कम। देखिए प्लस वालों का ज्यादा माइनस वालों का कम, प्लस वालों में भी ज्यादा किसका प्लस एम ज्यादा होता है किससे इंडक्टिव से, तो मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव से, इसलिए सबसे ज्यादा प्लस एम, उसके बाद में प्लस आई, फिर जीरो, उसके बाद आएंगे माइनस वाले। माइनस वालों में भी ज्यादा घटाएगा कौन, माइनस वाले घटाएंगे, मगर ज्यादा कौन घटाएगा मीजोमेरिक, क्योंकि मीजोमेरिक स्ट्रॉन्ग पावर, मीजोमेरिक पावर क्या होती है ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा रेट को क्या कर देगा डिक्रीज। देखिए जी ये कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये बताना है इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है इन कंपाउंड की, किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेस्पेक्ट में कौन जल्दी कौन फास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, या कह सकते हैं जितना ज्यादा प्लस एम प्लस ग्रुप होगा, जितना ज्यादा प्लस इफेक्ट होगा उतना ज्यादा रेट क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा। तो देखिए इस बेंजीन पे ग्रुप कैसा है NH2, NH2 पे पहले एटम पे, N पे क्या है लोन पेयर, तो ये क्या दिखाएगा प्लस एम, तो मीजोमेरिक तो इसका कैसा है प्लस एम। इंडक्टिव की बात करूं तो इंडक्टिव कैसा होगा इसका माइनस आई, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी ग्रुप हैं सब माइनस आई, तो मीजोमेरिक तो इसका प्लस एम और इंडक्टिव कैसा माइनस आई। ओवरऑल कैसा होगा ये प्लस, क्योंकि मीजोमेरिक स्ट्रांग होता है इंडक्टिव से, तो ओवरऑल क्या हो गया ये प्लस। यहाँ देखिए इस पे कोई ग्रुप ही नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है, क्या है ये जीरो है। यहाँ बात करें हैलोजन, हैलोजन के केस में देखूँ मीजोमेरिक देखूँ तो ये हैलोजन पे लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर रिलीज करेगा तो क्या होगा प्लस एम, और इंडक्टिव देखूँ हैलोजन का तो क्या होता है माइनस, मगर हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रांग हो जाता है मीजोमेरिक से, तो इसलिए ओवरऑल क्या कहलाएगा ये माइनस कहलाएगा। यहाँ बात करें NO2, NO2 क्या है माइनस एम ग्रुप है। अगर मीजोमेरिक देखूँ तो सबसे पहले मीजोमेरिक देखना, क्योंकि मीजोमेरिक स्ट्रांग होता है। अगर NO2 की बात करूं तो N इसे अगर ओपन करूंगा तो N डबल बॉन्ड O आएगा, तो पहला एटम डबल बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के साथ, तो ये क्या है माइनस एम है, और माइनस एम और इंडक्टिव की बात करूं तो माइनस आई, मगर माइनस एम स्ट्रांग होगा मीजोमेरिक स्ट्रांग होता है किससे इंडक्टिव से, तो ये ओवरऑल क्या हो गया वैसे भी माइनस हो गया, तो ये भी माइनस कुल मिला के दोनों और भी ज्यादा माइनस। तो इसमें क्या है सबसे जितना ज्यादा माइनस होगा उतना क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा, और जितना ज्यादा प्लस होगा उतना ज्यादा क्या होगा स्ट्रांग होगा, इनके रेट क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी। तो इस केस में तो ओवरऑल माइनस है, इस केस में ओवरऑल माइनस है, मगर ये माइनस क्या है कम है, ये माइनस आई है, जबकि वो माइनस एम और माइनस, माइनस एम और माइनस आई मिल के दोनों क्या है माइनस एम है, या कह सकते हैं मीजोमेरिक का माइनस आई है जबकि वो इंडक्टिव का माइनस आई है, तो ये वीक होगा ये स्ट्रांग होगा। तो यहां देखिए सबसे पहले इसमें ओवरऑल माइनस, इसमें ओवरऑल माइनस, इसमें जीरो, और इसमें ओवरऑल कैसा आएगा प्लस, तो जिसमें ओवरऑल प्लस आएगा उसमें रेट क्या हो जाएगा फास्ट। तो सबसे पहले तो आएगा ए, उसके बाद आएगा जीरो, माइनस से पहले आ जाएगा जीरो वाला यानी कि बी, उसके बाद आएंगे माइनस वाले, माइनस वाले में पहले आएगा माइनस आई, और माइनस आई से भी बी लास्ट में कौन आएगा माइनस एम, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस इसमें है, क्योंकि इसमें माइनस एम भी और माइनस आई भी है, दोनों मिलके क्या है माइनस, और वैसे भी इसमें मोर इफेक्टिव कौन है मीजोमेरिक, और मीजोमेरिक इंडक्टिव से बहुत ज्यादा होता है माइनस एम, और यहाँ पे प्लस एम इस यहाँ पे ओवरऑल क्या है जो इंडक्टिव हैलोजन के केस में इंडक्टिव स्ट्रांग हो जाता है मीजोमेरिक से, और इंडक्टिव ओवरऑल मीजोमेरिक से तो वीक रहेगा इसके कंपेरिजन करें तो यहाँ ओवरऑल क्या होगा माइनस है, मगर थोड़ा कम माइनस है, यहाँ पे ज्यादा माइनस है, जितना ज्यादा माइनस हो जाएगा उतना रेट क्या हो जाएगा स्लो, तो डी सबसे लास्ट में, सी पहले आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ देखिए इस पे OH ग्रुप है, OH ग्रुप क्या दिखाएगा, अगर मैं मीजोमेरिक की बात करूँ तो प्लस एम, इंडक्टिव देखूँ तो माइनस आई, यहाँ देखिए तो ये भी क्या इस पहले एटम पे लोन पर होगा, लोन पर डोनेट करेगा तो ये क्या दिखाएगा प्लस एम, पहले एटम तो प्लस एम हो गया और इंडक्टिव की बात करूँ तो माइनस आई,
यहाँ देखिए ये क्या है, ओ माइनस है, ओ पे माइनस है यहाँ, तो ओ माइनस जो जिस पे भी माइनस है कोई भी एनायनिक है तो वो तो बहुत स्ट्रांग प्लस एम दिखाता है। तो ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम, ये भी प्लस एम। अब इनमें अगर बात कर लूँ मैं प्लस एम सबसे ज़्यादा है किसका, तो जिस पे माइनस चार्ज है, माइनस जो जिस पे माइनस है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रल। तो सबसे ज़्यादा प्लस एम तो किसका हो गया, सबसे ज़्यादा प्लस तो किसका हो गया जी, इस माइनस का। बात करें इन दोनों की, इन दोनों में अगर देखूं तो इसके पास लोन पेयर किसके पास है, एन के पास, और इसमें लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, ओ। एन और ओ में से जल्दी लोन पेयर कौन डोनेट करेगा, तो चेक करिए ग्रुप के हैं कि पीरियड के, ये पीरियड के एलिमेंट हैं एन और ओ, और ये सेम पीरियड के हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डोमिनेट काम करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, डोमिनेटर फैक्टर होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनिटी कम होगी वो जल्दी लोन पेयर डोनेट करेगा, उसका प्लस एम ज़्यादा होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ की ज़्यादा है, ओ की ज़्यादा है तो वो जल्दी से लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, एन की कम है तो जल्दी से लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो एन का प्लस एम ज़्यादा होगा किससे, ओ से। तो ये भी प्लस एम है, मगर इससे ज़्यादा प्लस एम इस केस में है क्योंकि ओ से एन की इलेक्ट्रोनिटी कम है, और जितनी इलेक्ट्रोनिटी कम होगी उतना प्लस एम ज़्यादा। तो अगर इसका प्लस एम दो, मैंने दो पॉइंट दिए इसके प्लस एम को, तो इसके प्लस एम को 3 पॉइंट दूंगा, और इसके प्लस एम को और 4 पॉइंट दूंगा क्योंकि माइनस आ गया, ठीक है। तो इससे ज़्यादा प्लस एम इसमें, इससे ज़्यादा इसमें, तो इससे ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगी इसमें, इससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये, तो इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव ये, इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव ये, जितना ज़्यादा प्लस बढ़ता जाएगा उतनी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। देखिए इसी क्वेश्चन में अभी और भी पॉइंट आ गए, तो तीन कंपाउंड आ गए थे जिसमें प्लस एम था। इसकी बात करें तो बेंजीन पे कोई भी ग्रुप नहीं है तो ये जीरो वाला हो गया। इस पे CH3 क्या दिखाएगा, पहले एटम पे अगर मैं देखूं CH3 के पहले एटम कौन है, कार्बन, कार्बन पे कोई भी लोन पेयर नहीं तो प्लस एम नहीं, कार्बन पे कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं तो माइनस एम नहीं, तो ना तो ये प्लस एम ना माइनस एम, तो मेसोमेरिक तो ये दिखाएगा नहीं। तो इंडक्टिव की बात करो तो सैचुरेटेड एल्काइल ग्रुप है तो क्या दिखाएगा, प्लस आई। यहाँ देखिए सी डबल कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सी डबल बॉन्ड ओ, अगर जब इसे खोलूंगा तो सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, तो पहला एटम डबल बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रॉनिक एटम के साथ तो क्या दिखाएगा, माइनस एम, और इंडक्टिव की बात करूँ तो माइनस आई। जब मेसोमेरिक हो गया तो इंडक्टिव चेक करने की जरूरत नहीं होती, वो तो हैलोजन के केस में करा करो क्योंकि हैलोजन के केस में इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है मेसोमेरिक से, नहीं तो मेनली तो क्या रहेगा सब बाकी सब में, तो मेसोमेरिक स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये है हैलोजन केस, तो हैलोजन केस में ओवरऑल क्या देखूंगा, ये अगर मेसोमेरिक की बात करूं तो ये प्लस एम है, मगर इस इंडक्टिव देखूं तो माइनस आई, मगर हैलोजन के केस में इंडक्टिव स्ट्रॉन्ग होता है तो इसलिए बस इंडक्टिव लिख लिया, जो स्ट्रॉन्ग ग्रुप है वही लिख लिया मैंने, बात खत्म हो गई। तो इसमें स्ट्रॉन्ग होता है इंडक्टिव इसलिए माइनस आई लिख लिया, और इसमें हैलोजन के केस में जो डोमिनेटिंग ग्रुप है वो कौन होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, और इंडक्टिव इफेक्ट हैलोजन का कैसा है, माइनस आई। चलिए तो इस केस में प्लस आई, इसमें माइनस एम, इसमें माइनस आई, इसमें जीरो, इससे पहले जो थे वो क्या थे, प्लस वाले थे, और प्लस वाले में भी सबसे ज्यादा कौन था, ओ माइनस, ओ माइनस से ओ माइनस के बाद आया था NH2, और NH2 से भी बाद में कौन था, OH। तो पहले तो C फिर B फिर A, ये तीन तो सबसे पहले आ गए थे क्योंकि इन तीनों में प्लस M था। अब बात करेंगे, अब बात प्लस M के बाद, प्लस M के बाद कौन आएगा, प्लस I, तो इसमें क्या है, प्लस I है, तो कौन आ गया, E। अब प्लस I के बाद आएगा जीरो, और जीरो वाला देखो ये रहा बेंजीन, इस पे कोई भी ग्रुप नहीं है तो पहले आ गया D जीरो वाला। अब उसके बाद आएगा माइनस आई, और सबसे बाद में आएगा माइनस एम, ठीक है। तो माइनस आई किस में है, जी के केस में, हैलोजन के केस में क्या है, माइनस आई, तो फिर माइनस आई वाला, और उससे भी बाद में कौन आएगा, ये माइनस एम वाला। जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, और जितना ज़्यादा प्लस होगा उतनी रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। इनमें मैंने आपको बता दिया था, इन तीन ग्रुप में प्लस एम पावर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, माइनस की, जिस पे माइनस आ गया तो वो तो सबसे जल्दी लोन पे डोनेट करेगा। इन दोनों में कौन डोनेट जल्दी डोनेट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनिटी कम होगी, एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है ओ से, तो ये जल्दी लोन पे डोनेट करेगा, या कह सकते हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी वैसे वैसे प्लस एम घटेगा, तो इसका प्लस एम घट जाएगा क्योंकि ओ की इलेक्ट्रोनिटी एन से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द रिएक्टिविटी टूवर्ड्स नाइट्रेशन और या सल्फोनेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन या सल्फोनेशन रिएक्शन एक सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये कंपाउंड दे रखे हैं, ये बताना है इन कंपाउंड की रिएक्टिविटी बताना है किसके प्रति, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, क्योंकि नाइट्रेशन बोले या सल्फोनेशन बोले ये दोनों ही क्या होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। तो नाइट्रेशन कह दे, सल्फोनेशन कह दे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कह दे, एक ही बात है, क्योंकि नाइट्रेशन और सल्फोनेशन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो चेक करिए ये फिनाइल रिंग है, इस फिनाइल रिंग पे इधर से भी ग्रुप लगा, इधर से भी ग्रुप लगा है। अगर मैं इसका इधर का ग्रुप देखूं तो पहला एटम क्या है, एन है, और एन पे क्या होगा, लोन पेयर, तो ये क्या दिखाएगा, प्लस एम। अगर इधर से देखूं तो पहला ग्रुप का पहला एटम
इधर का इस ब्रांच का जो पहला एटम है वो डबल बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो ये क्या दिखाएगा माइनस एम, तो ये तो माइनस एम दिखाएगा इस बेंजीन के लिए, और ये क्या दिखाएगा प्लस एम, तो एक प्लस एम और एक माइनस एम ऑलमोस्ट ऑवर में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बात करें बी की, तो उधर मैं देखूँ तो उधर तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, तो वो तो ना तो प्लस एम, ना तो प्लस एम दिखाएगा ना माइनस एम। यहाँ देख लो, अगर मैं देखूँ इधर का पहला एटम क्या है, इधर का पहला एटम क्या हो गया, ये माइनस क्या हो गया, पहला एटम डबल बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो ये क्या दिखाएगा माइनस एम। ठीक, यहाँ देखिए, तो बाकी बाकी बात करेंगे इसकी, तो ये तो बहुत दूर हो गया, दूर वाले का कुछ हमें करना नहीं, हम तो पहला वाला ले लो, वैसे भी ये अब मीजोमेरिक तो दिखाएगा नहीं क्योंकि ये पहला एटम नहीं है, तो ये कैसा दिखा सकता है, इंडक्टिव दिखाएगा, इंडक्टिव क्या होगा इसका माइनस आई, तो इंडक्टिव को तो कंपेयर करो मत जब मीजोमेरिक आ गया, मीजोमेरिक के सामने इंडक्टिव कुछ नहीं बेचता, बस सिर्फ एक ही केस में बेचता है जहाँ हेलोजन हो जाती है, हेलोजन मीजोमेरिक, हेलोजन के केस में मीजोमेरिक मर जाता है, इंडक्टिव जिंदा हो जाता है। ठीक है, नहीं तो बाकी सारे केसों में मीजोमेरिक जिंदा रहेगा और इंडक्टिव मरा रहेगा जब तक मीजोमेरिक ऑपरेट हो रहा है, जब तक मीजोमेरिक दिखा रहा है। चलिए इस केस में देखो, तो पहला ग्रुप इधर एन, एन पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डॉट करके क्या दिखाएगा प्लस एम, इधर कुछ भी नहीं है, कार्बन है, कार्बन पे ना तो लोन पेयर है ना डबल बोन है, ना तो प्लस एम दिखाएगा ना माइनस एम, उसकी बात ही मत करो तुम, बहुत दूर है। तो पहले ही देख लो इसमें क्या है, इसमें एक प्लस एम एक माइनस एम तो आपस में कैंसिल होकर मर जाएंगे, इसमें सिर्फ माइनस एम है, ठीक है, आगे की बात ही नहीं करता मैं, इसमें सिर्फ क्या है प्लस एम है, इसमें प्लस एम है, इसमें सिर्फ माइनस एम है, उसमें प्लस एम माइनस एम कैंसिल हो गए, तो पहले कौन जीतेगा प्लस एम, क्योंकि इसमें प्लस एम इसके प्लस एम को इसका माइनस एम कैंसिल कर देगा, तो इसमें क्या हो गया, इसमें सिर्फ प्लस एम है, इसमें सिर्फ माइनस एम है, इसमें दोनों है, तो पहले कौन आ जाएगा प्लस एम वाला, फिर आ जाएगा न्यूट्रल वाला, एक तरीके से न्यूट्रल ही तो हो गया, प्लस एम और माइनस एम आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे न्यूट्रल, तो पहले प्लस एम वाला फिर न्यूट्रल वाला, उसके बाद कौन आ जाएगा माइनस एम वाला, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो हो गया सी, उसके बाद कौन आ जाएगा न्यूट्रल वाला ए, और उसके बाद कौन आ जाएगा बी। क्लियर हो गई बात, नेक्स्ट। ये कंपाउंड दिया है, ये कह रहा है इस पे मैं एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना चाहता हूँ, मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कराना चाहता हूँ, तो वो कहाँ पे अटैक होगा, ये रिएक्शन कंप्लीट करनी थी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामों में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसको जरा ध्यान से देखें, ये दो बेंजीन रिंग है, तो पहले तो यही डिसाइड करना है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस वाली बेंजीन रिंग पे आके जुड़ेगा कि इस वाली पे, अब इस वाली पे जुड़े या इस वाली पे, पहले तो ये डिसाइड करो। तो देखिए इस बेंजीन का पहला एटम देखो, बेंजीन से जुड़ने वाला जो पहला एटम है वो कैसा दिख रहा है, डबल बॉन्डेड, तो ये डबल बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो ये ग्रुप तो कैसा हो गया माइनस एम, तो ये माइनस एम है, तो ये रिंग कैसी हो गई डीएक्टिवेट, क्योंकि माइनस एम इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा कम कर देगा। इस रिंग के लिए देखिए, इस रिंग का जो पहला आइटम जो उससे जुड़ा है वो कैसा है, सिंगल बॉन्डेड, यानी कि लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, मतलब ये क्या दिखाएगा प्लस एम, तो ये प्लस एम दिखा रहा है, जबकि उसका पहला ग्रुप क्या दिखा रहा है माइनस एम, माइनस एम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देगा, और प्लस एम है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, मतलब ये रिंग हो जाएगी डीएक्टिवेटिंग, वो क्या हो जाएगी एक्टिवेटिंग। ठीक, तो इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा तो वो तो एक्टिवेटिंग रिंग पर लगेगा, ये तो डीएक्टिवेट हो जाएगी, तो इस पर लगेगा। अब इसके कहां लगे, ऑर्थो पे, जब प्लस एम है तो या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे, मगर ये जब दो फिनाइल रिंग होती है पास पास में, तो ये रिंग बहुत बड़ी बड़ी रिंग होती है, और ये जो ग्रुप है जरा जरा से होंगे, तो ये बड़ी बड़ी रिंग क्या करती हैं, यहाँ भीड़ इकट्ठा कर देती हैं, ऐसे समझिए बहुत बड़े बड़े दो पत्थर, उनके बीच में एक जरा सी संकरी सी गली है, उसमें ये रखे हैं, तो यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे बहुत हिंड्रेंस हो जाती है, जब यहाँ ग्रुप लगेंगे तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जब ये ग्रुप इस पर लगेगा तो ये जो बड़ा ग्रुप है दूसरा, ये फिनाइल इधर, ये इसको रिपेल करता है, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा चुपचाप ना लग जाए पैरा पे, क्योंकि पैरा इसके एकदम अपोजिट होगा, वहाँ रिपल्शन क्या हो जाएगी कम, तो मेजर तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऑर्थो पे और पैरा पे बनेगा, मगर मेजर कौन सा होगा पैरा वाला, क्योंकि पैरा पे एंड्रेंस सबसे कम होगी, तो ई कहाँ लग जाएगा राइट साइड की रिंग पे लगेगा, कौन सी रिंग पे लगेगा जो एक्टिवेटिंग होगी, एक्टिवेटिंग कौन होगी जो प्लस एम होगा, ठीक है, तो इस एक्टिवेटिंग रिंग पे लगेगा, और एक्टिवेटिंग के भी ऑर्थो पैरा पे जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ई विल बी अटैक इन मेनली ऑन द सेकेंड रिंग, तो सेकेंड रिंग पे अटैक हो जाएगी, वो भी किसके और उसके पैरा पोजिशन पे। नेक्स्ट देखिए, तो अप्रोच क्या रही, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक मेनली ऑन दैट रिंग विच हैज द मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अदर रिंग, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग पर जाकर लगेगा जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरी रिंग से क्या है ज्यादा है, और पैरा प्रोडक्ट विल बी मेजर, या कह सकते हैं पैरा प्रोडक्ट विल बी यानी कि प्रोडोमिनेट ड्यू टू द लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से प्रीडोमिनेट ग्रुप, प्रीडोमिनेट जो प्रोडक्ट है वो कौन सा रहेगा पैरा वाला, पैरा पोजिशन वाला। देखिए नेक्स्ट, जेई 2000 में ही क्वेश्चन आया था, ये है जी, बेंजीन पे लगने वाला ये हमें क्या करना, नाइट्रेशन करनी थी, मतलब NO, NO2 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे जोड़ना था, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग पे जुड़े किस रिंग पे,
तो इस रिंग का पहला एटम देखो, ये क्या होने, रिंग जिस एटम से जुड़ी वो एन है और एन पे क्या है लोन पेयर, और लोन पेयर इसको डोनेट करेगा तो क्या दिखाएगा प्लस एन, तो ये रिंग क्या हो जाएगी एक्टिवेट, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इस रिंग का पहला एटम डबल बॉन्डेड है किसके साथ, मोर इलेक्ट्रॉन एटम के साथ, तो ये क्या दिखाएगा, ये ग्रुप क्या दिखाएगा माइनस एम, माइनस एम तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा विड्रॉ कर लेगा, इसके पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो इस पे कम हो जाएगी, इस पे बढ़ जाएगी, ये रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी, ये एक्टिवेट, तो इससे एक्टिवेटिंग पे आकर लगेगा, और एक्टिवेटिंग के भी ऑर्थो पे या पैरा पे, तो मेजर प्रोडक्ट किस पाएगा पैरा पे, स्ट्रिंग हिंड्रेंस कम हो जाएगी, तो कहाँ लग जाएगा आके इस लेफ्ट वाली रिंग पे आकर लग जाएगा पैरा पोजिशन पे, यही क्या होगा मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, ये जेई 2004 में आया, मैंने कहा ये क्वेश्चन हर साल लगभग आते रहते हैं हर जगह, ठीक है, तो देखिए इसको जरा पहचानिए, इस रिंग पे ये, इस रिंग पे एक ग्रुप तो ये लगा, एक ग्रुप ये लगा, ये तो मिथाइल एमी, एमी मतलब मिथाइल, मिथाइल मतलब सी एस थ्री, सी एस थ्री तो सिर्फ क्या दिखाएगा प्लस आई, वो मीजोमेरिक तो दिखाता नहीं क्योंकि एन पे ना तो लोन पे है ना कोई डबल बोन है, तो सी एस थ्री तो सिर्फ प्लस आई दिखाएगा, और इंडक्टिव इफेक्ट को तो बीक इफेक्ट होता है, छोड़िए मीजोमेरिक की बात करो कहीं, तो देखिए इस इसका पहला एटम देखूं तो ये एन है और एन पे क्या है लोन पे, तो ये क्या दिखाएगा प्लस एम, इसका पहला एटम देखूं तो वो डबल बॉन्डेड है मोर इलेक्ट्रॉन एटम के साथ, तो वो क्या दिखाएगा माइनस एम, तो ये माइनस एम और ये प्लस एम है, तो ये रिंग एक्टिवेट हो जाएगी, वो रिंग क्या हो जाएगी डीएक्टिवेट, तो ये वाली रिंग ज्यादा एक्टिवेट होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर आके लगेगा। अब इसके कहाँ लगे, ऑर्थो पे या पैरा पे, ऑर्थो तो इसकी दोनों घिरी हुई, देखो ये वाली ऑर्थो भी मिथाइल से घिरी हुई और ये वाली ऑर्थो इधर बेंजीन से जुड़ी हुई है, तो ये ऑर्थो तो दोनों घिरी हुई, बस पैरा पे ही बची, तो पैरा पे आके लग जाएगा, तो लेफ्ट रिंग एक्टिवेटिंग होगी, तो लेफ्ट रिंग के ऑर्थो पैरा पे आके लगेगा, ऑर्थो तो घिरी हुई है तो बस पैरा पे ही, और वैसे भी पैरा पे आता है क्योंकि वहां पे स्ट्रिक इंटेंस क्या होती है कम, तो पैरा पोजिशन पे क्या हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा, पैरा पे क्या लग जाएगी ई आके लग जाएगी, क्लियर। ये देखिए जैसे और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये क्या है दो, ये फिनाइल रिंग थी इस टाइप से रिंग है, इन पे क्या है ग्रुप लगे हैं, ये मिथाइल, मिथाइल तो क्या दिखाएगा प्लस आई दिखाएगा बस, ये तो छोड़िए मीजोमेरिक तो दिखा नहीं रहा, तो पहले मीजोमेरिक को पकड़ो। इस रिंग का पहला आइटम क्या है, ये कार्बन और कार्बन डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है तो क्या दिखाएगा माइनस एम, और ये रिंग का पहला आइटम जो है रिंग से जो जुड़ने वाला पहला आइटम है वो क्या दिखा रहा है, वो सिंगल बॉन्डेड है मतलब उस पर लोन पेयर है, लोन पेयर है तो क्या दिखाएगा प्लस एम, तो ये O क्या दिखाएगा प्लस एम, और ये C डबल बॉन्ड हो क्या दिखाएगा माइनस एम, तो प्लस एम का मतलब ये रिंग क्या हो जाएगी एक्टिवेट, ये रिंग क्या हो जाएगी डीएक्टिवेट, या कह लो इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और इस पे घट जाएगी, तो ये एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट होगी तो इसके ऑर्थो पे या पैरा पे, अब इसकी ये वाली ऑर्थो और ये वाली पैरा तो घिरी हुई है मिथाइल से, तो यही मजबूरी है, यही ऑर्थो बची तो बस इस ऑर्थो पे जाके लगेगी, आती पैरा पे मगर पैरा ऑलरेडी पहले से घिरी हुई है तो बस कहाँ चली जाएगी ऑर्थो पे, अब ये वाली ऑर्थो भी घिरी हुई है बस यही ऑर्थो बची है इस पे लग जाएगी, क्लियर होगी बात, चलिए थैंक्स।